नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल है आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा बहुत ही बहुत बढ़िया है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चले चलिए तो अंकित हैं अनिल हैं गोपेश हैं अमन है हनुमा... हनुमान हनुमान सिंघल हैं कार्तिकेय हैं और भाई साहब सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं सुबह सुबह और हमारे यहां पर भी बच्चे आ चुके हैं बारिश का मौसम है आज चलिए सर बैकअप लेक्चर्स का देखें कहाँ देखें अरे अभी तो यूट्यूब भी चल रहा है यार क्यों टेंशन ले जाते हो तुम बैकअप लेक्चर्स आपके आई थिंक तीन नंबर तक के तो मैंने गूगल ड्राइव पर अपडेट भी करवा दिए हैं वैसे करके था और राधे राधे और एय के ऐप में क्लास नहीं चल रही है भैया यार कितनी बार बताऊँ मेरे बच्चा तुम एल के ऐप में क्लास को मत देखो तुमको जो लिंक आया है मेल पर उस लिंक पर क्लिक करना है आपने वहां से होगा और अभी तो यार यूट्यूब लाइव चल रही है तब तक आप लिंक सेट कर लो अपना कितनी बार बताऊं यार रोज की क्लास में बता रहा हूं मैं डेली का डेली मेरे कबूतर मेरे भूरा चल आगे बात करते हैं यहां पर आकर एंड्म तो डेफिनेशन का मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चला था और अब मेरा कहने को तो अगला चैप्टर आता है एक्शनेबल क्लेम का लेकिन इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो लेकिन अगला चैप्टर डिस्कस करने से पहले मेरे पास एक चार्ट है ये चार्ट आपको मिलेगा और ये रहा ये चार्ट आपको मिलेगा आपकी बुक के साथ ही ठीक है और इस पूरे चार्ट के अंदर हमने बता रखा है कि आपका जो एंटायर सिलेबस है उसका कंटेंट क्या है और बातें किस तरह से यहाँ पर दे रखी हैं ये क्या है आपका यहां पर आपका सारा का सारा सिलेबस मैंने मालिक दे रखा है ठीक आपने वो देखा अच्छा ये वाला चार्ट भी आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है जब तक किताब नहीं पहुंच रही आपके पास में हाउ एवर बुक्स हैज बीन डिस्पैचड यस्टरडे किताबें आपको डिस्पैच हो चुकी यस्टरडे नहीं आई थिंक उससे पहले ही तो, वेडनेसडे हो गए ना मंडे में ही आपको किताब डिस्पैच हो चुकी है तो जो नियर बाई एरिया है वहां आज मिलनी शुरू हो जाएगी दूर दराज के वहां आई थिंक कल तक किताब पहुंच जाएगी तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा दूसरी बात अगली दो दो क्लासेस दो या ढाई क्लासेस जो होगी हमारी वो इसी चार्ट पर बेस्ड होगी इस चार्ट के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जीएसटी का जो फ्लो है वो कैसे मूव करता है जो जीएसटी का मैप है नक्शा है वो कैसे यहां पर वर्क करता है क्या इंटरलिंकेज होती है वो सारी बात आपको यहां सीखने के लिए मिलेगी और जब ये मेरा यहां पे कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद मैं वापस बुक पर लौट कर आऊंगा जहां पर कि आपका अगला जो चैप्टर है वो ये वाला जो कॉन्टिन्यूएशन में आ रहा है भाई यहां से डेफिनेशन का चैप्टर जो है आपका मालिक शुरू हो जाएगा ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे सो आर यू रेडी इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं बाबा की बूटी क्या बोलते हैं बाबा की बूटी क्योंकि इसमें पूरे के पूरे जीएसटी का ना सार भरा हुआ है यह वो डायग्राम है जो आपको जीएसटी में कभी भी अब से लेके आगे तक कंफ्यूजन पैदा नहीं होने देगा यह वो चार्ट है जिसे आईआरएस ऑफिसर भी इस्तेमाल करते हैं ये वो चार्ट है जो हर प्रकार की कंफ्यूजन को दूर करने में सक्षम होता है मैं आपको रियलिटी बताता हूं होगा क्या जब आप ये ये जितने भी यहां बॉक्स बने हुए हैं ऐसे मानो ये हर एक अपने आप में चैप्टर है एक ये बॉक्स यानी ये चैप्टर हो गया एक ये चैप्टर हो गया एक ये चैप्टर हो गया ये चैप्टर हो गया चार पांच नंबर चैप्टर तक आप इजीली चले जाते हैं लेकिन जैसे ही ये छठवां बॉक्स आएगा सातवां बॉक्स आएगा आप चीजों को मिक्स करना शुरू कर देंगे और अगर आपने उल्टे सीधे तरीके से पढ़ा तो ऐसी मिक्सिंग होगी कि आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा जो पहला वाला पढ़ रखा उसे भी आप भूल भाल जाओगे लेकिन मैं आपको एक परसेंट भी कंफ्यूज होने नहीं दूंगा ये मेरा वादा है आप लोगों से हम इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ के चलेंगे इसके सिस्टम को समझने के लिए आजकल सिस्टम वर्ड बड़ा फेमस चल रहा है ना एलविश यादव का तो आज ये इस, इस सिस्टम को जीएसटी के सिस्टम को समझने के लिए ये चार्ट बहुत बहुत जरूरी है और आज से लेकर आपके सीए बनने का सीए बनने के बाद तक ये चार्ट को आप याद रखोगे नाम है इसका बाबा की बूटी सो क्या हमें ये शुरू करना चाहिए हां सर करिए तो आइए इसका फेसलिफ्ट हम कर देते हैं यहां पर आकर इसके फेसलिफ्ट के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है यह आपका गेट नंबर वन करके वी नो वेरी वेल दैट कि यार जीएसटी लगने के लिए एक गुड्स या सर्विसेज का होना बेहद जरूरी है तो क्यों ना सबसे पहले इसी चीज को देखा जाएगा कि क्या गुड्स है क्या सर्विस है अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस है मैं तो ही तो जीएसटी की चर्चा को आगे बढ़ा सकता हूं अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस है ही नहीं तो तुम मुझे बता दो यार मतलब मैं क्या आगे बढ़ भी सकता हूं मैंने भाई कोई चीज यहां पर दिखाई दी मान लीजिए भाई पता लगा हमें कि लाइक जैसे मनी पैसा होता पैसे हैं किसी के पास में पैसे को सरकार बोलती है कि ना तो ये गुड्स है और ना ये सर्विस है आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है मालिक ये पैसा वही मोबाइल में से निकलते हैं बत्ती बना के रखे हुए हैं इसमें ला और दो हाँ सारे की बत्ती बनी हुई है तो ये जो पैसा है सरकार बोलती है ये मनी जो है ना ये ना गुड्स है ना सर्विस है तो जब ये कुछ है ही नहीं तो क्या मैं इस पर जीएसटी लगाने की सोच भी सकता हूं क्या इस पर आगे चर्चा भी की जाए द आंसर इज नो यही से आउट आउट मतलब आउट ये गेम कुछ ऐसा होगा मैं आपको बताऊं बचपन में आप वो खेलते थे ना ये कुछ याद आ रहा है देखकर बताइए कुछ याद आ रहा है ये शायद म्यूजिकल चेयर इसको गेम को बुलाया करते थे हम लोग यहां पर कुर्सियां गिनिए कितनी है मैं येलो से काउंटिंग करता हूं एक दो तीन चार पांच छत आठ कुर्सियां हैं बताइए बच्चे कितने होंगे बिना गिने नौ। बच्चे होंगे नौ। गिन लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ बच्चे हैं यहां पर म्यूजिक बज रहा होगा बच्चे घूम रहे होंगे घूम रहे होंगे अचानक से म्यूजिक बंद होगा और सारे बच्चे अपनी अपनी कुर्सियां पकड़ेंगे जो उसके नियर बाई आ रही होगी बात है आठ कुर्सिया नौ बच्चे एक बच्चा रह जाएगा वो बैठ नहीं पाएगा जो बच्चा बैठ नहीं पाएगा बात है यार वो यहां से से एग्जिट कर जाएगा जाएगा गेम से आउट हो बताइए सा बच्चा गेम, से आउट हुआ करता था, क्या वो वापस गेम में आ सकता था द आंसर इज नो आउट का मतलब होता था आउट बैक टू पवेलियन दैट सेट खत्म कहानी अब खेल फिर बाकी के साथ खेला जाता था इसलिए आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है तुम जीवन भर याद रखोगे इस क्लास को तो बाकी इस तरह से ही हमारा यहाँ पर ये यह म्यूजिकल गेम है हमारे पास भी देखिए यहां पर नौ बक्से बने हुए हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ बक्से और ये कुछ इनका जो फ्लो आ रहा है वो ऐसे घूमकर यू आ रहा है ऐसे ऐसे घूमकर मालिक आ रहा है गोल 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 क्लॉकवाइज हम यहां पर घूम रहे हैं ठीक है अब इसमें होगा क्या कि अगर कोई चीज गुड्स या सर्विसेस नहीं है तो मैं पहले ही गेट से पहले ही राउंड से पहले ही स्टेज से आउट और इस गेम से आउट होने का मतलब यह है कि अब उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा एम आई राइट यस सर उसके बाद जब यह तय हो जाएगा कि भैया गुड्स या सर्विस में से कोई चीज है जैसे मान लीजिए इट्स ए गुड्स बेसिकली या कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग की सर्विस में दे रहा हूं यह भी आपकी एक प्रकार की सर्विस है तो जब ये तय हो जाए कि गुड्स या सर्विस है तो अगला राउंड खेला जाएगा अगले राउंड में खेलेंगे कि मेरे राजा गुड्स या सर्विस तो बन गई है अब ये बता क्या इसकी सप्लाई भी हुई है या नहीं हुई है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वट डू यू मीन बाई सप्लाई सप्लाई कहते किसे हैं रे? ये पता तो होना चाहिए एक बात जीएसटी बहुत रसीला बहुत मजेदार चीज है मैं आपको दिखाऊंगा असल में यहां से शुरुआत सी हो रही है मान के चलो जीएसटी की अब तक तो खेल रहे थे छोटी मोटी बातें सीख रहे थे <coughs> सप्लाई क्या है क्या नहीं है तो यहां पर जो तो डिस्कशन आएगा वो चार हिस्सों में बटा मिलेगा आपको आकर देख सकते हैं यहां पर आकर ये आपका पार्ट वन होगा ये सप्लाई का पूरा चैप्टर ही चार हिस्सों में बटा हुआ है पार्ट वन में बताया जाएगा क्या सप्लाई है फिर पार्ट टू आएगा वो बोलेगा ठीक है सप्लाई तो है पर कभी कभी ना कंफ्यूजन आ जाती है कि सप्लाई तो है पर किसकी सप्लाई है सप्लाई गुड्स की है या सप्लाई सर्विस की है आपने को देखा हरियाणवी एल्बम है एक बहु काले की नहीं सुना नहीं तो चेक करना यूट्यूब पर बहु काले की ठीक है तो मैं हम ये कह रहे हैं कि यहां पर आकर कंफ्यूजन ये आती है कि बहु तो बन गई है यहां पर जो पार्ट वन है उसके मुताबिक सप्लाई तो बन गई है पर सप्लाई किसकी है गुड्स की या सर्विस की बहु तो बन गई है पर वो बहु काले की है या बहु गोरे की है ये कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है कैसी कंफ्यूजन आ जाती है मैं आपको समझाता हूं यहां ये आप जरा मान लीजिए मैं कुर्सियों को बेचने वाला व्यक्ति हूं और ये मेरे पास में कस्टमर आते हैं और सुबह सुबह आ जाते हैं कस्टमर देखो मेरे हमारी दुकान सुबह सुबह खुल जाती है भाई सब कस्टमर भी आ जाते हैं बहुत बढ़िया वाले तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं यह कुर्सी में आपको बेच रहा हूं क्या कर रहा हूं जी बेच रहा हूं तो यह लीजिए आपके लिए कुर्सी आपकी हुई पैसे दीजिए सुबह सुबह बोहनी करवा दीजिए पैसे इन्होंने मुझे यहां पर दे दिए और कुर्सी ले जाइए आप ले जाइए इस केस में बताइए क्या यह घटना एक सप्लाई है कि नहीं है हां बोलो हाँ, हाँ कैमरे में सप्लाई है सप्लाई किसकी है गुड्स की है या सर्विस की है गुड्स की सप्लाई है रिटेक करते हैं टेक टू लेते हैं ठीक है अभी क्या है आपने कहा सर जी कि हमें ना वो कुर्सी खरीदनी नहीं है हमें तो किराए पे चाहिए हमने कहा ठीक किराए पे ले जाइए तो इस बार आपको हमने कुर्सी किराए पर दे दी है चार पाँच दिनों के लिए इस बार कम पैसे दे दीजिए आप हमें इन्होंने हमें यहां पर ये यह पैसे दे दीजिए और किराए पर हमने कुर्सी दे दी है अब हमें बताइए क्या मूवमेंट गुड्स का है पहले भी गुड्स का मूवमेंट था क्या इस बार सप्लाई है

सर जब भाड़े पे ली थी रेंट पे ली थी तब वो थोड़े दिनों के लिए ली थी तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई थी अच्छा ज्यादा दिनों परमानेंट लेंगे तो सर परमानेंट पे तो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो कहीं ना कहीं आपके शब्दों को मैं एज दे दू आप ये कहना चाह रहे हैं ओनरशिप है ना आपके शब्दों को मैंने एज दिया कि ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो गई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाती है अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में ही काउंट रहती है तो तो का <coughs> प्रॉब्लम क्रिएट करी मैंने सोने सेंटर पूछा कि भाई कैमरा बोले सात दिन लगेंगे मैंने कहा नहीं, नहीं चलेगा अब मैं क्या क्या करूं तो मैंने किसी से बात करी तो उन्होंने कहा रेंट पर मिल जाएगा कैमरा सोनी सेंटर से मिल जाएगा रेंट पे मैं सोनी सेंटर से सात दिनों के लिए कैमरा रेंट पर लेकर आता बैकअप के लिए तो वो क्या होता सप्लाई 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 ऑफ 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 गुड्स सर्विस सर्विस होती लेकिन मैंने कहा रेंट वेंट छोड़ो यार नया लेकर आते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आते हैं हम नया कैमरा ले आए इस बार क्या बनेगा ये सप्लाई ऑफ गुड्स क्योंकि यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो ऐसी ही और भी कई सारी कंफ्यूजन कभी कभी आ जाती हैं उन्हीं का सोल्यूशन मिलेगा आपको पार्ट टू के अंदर आकर ठीक है <coughs> फिर आता है यहां पर आपका पार्ट थ्री करके पार्ट थ्री में यह बताया जाता है कि भाई नो सप्लाई कुछ चीजें आपको ऐसी भी देखने के लिए मिलती हैं कि जिनकी सप्लाई नहीं बनेगी पिंक मूवी देखी, देखी है आप लोगों ने पिंक मूवी देखी है हां हां देखिए उसमें एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आता है अमिताभ बच्चन का आखिर एंड जब कोर्ट में बहस चल रही होती तो वहां का है उन्हें एक शब्द बोला है कि नो मीनस सिर्फ नो होता है देखिए आप लोगों ने नहीं देखे? देखा करो मूवी शो भी यार अच्छी मूवी है देखा करो नो <coughs> मींस no सिर्फ नो होता है तो ऐसे भी यहां पर नो का मतलब सिर्फ नो है यहां कुछ ऐसी चीजें लिखवाई गई हैं जिनको कि सप्लाई नहीं माना जाएगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर कोई चीज ऐसी है जिसे की सप्लाई नहीं माना जा रहा है तो पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो गई यहीं पर पिक्चर खत्म हो गई जीएसटी अब लग नहीं सकता है क्योंकि जिस गुड्स या सर्विस की सप्लाई ही नहीं बन पाई जीएसटी लगने की बात हो ही नहीं सकती है उसके संबंध में प्रेम से बोलेंगे राधे राधे फिर इसका एक और पार्ट आता है अलग सेगमेंट बन जाता है इसका यहां पर आकर इसमें बात करते हैं हम लोग बंडल्ड सर्विस कभी कभी क्या होता है गुड्स और सर्विसेज इकट्ठे दिए जाते हैं मेरे केस में देख लो मैंने आपसे सात हजार रुपए की फीस ली है और इस सात हजार की फीस में मैंने आपको क्या दिया है रोज सुबह सुबह आके आपके सामने खड़े हो जाता हूं यहां पर आकर आपको पकाता हूं कि पढ़ाता हूं यह तो मुझे नहीं पता यह तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं पर मैं अपनी सर्विस ये, ये सर्विस है मेरी और मैंने आपको किताबों का बंडल भी दिया है किताबें भी मैंने अपनी आपको दी हैं वैसे करके तो ऐसे वाले सिचुएशन की ये किताबें भी मैंने मैंने आपको आपको दी हैं पर ना तो मुझे बताइए गुड्स दिया है सर्विस दिया है या दोनों दिया है दोनों दिया है मैंने आपको दोनों चीजें दी हैं लेकिन अगर दोनों दी हैं तो फिर जीएसटी कैसे लगेगा क्या सात हजार की वैल्यू को तोड़ा जाएगा कि भैया किताबें इतने की बाकी आपके बोलने का इतना मान लो किताबें हजार रुपए की तो हजार रुपए पर किताबों के हिसाब से किताबों के रेट से जीएसटी लगाइए वैसे किताबों पर जीएसटी है नहीं मैं आपको बताऊं और बाकी जो छह हजार है उसके ऊपर आप अठारह परसेंट से सर्विस मानते हुए जीएसटी लगाइए क्या ये सही पड़ेगा नहीं ऐसे केस आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेंगे जहां पर गुड्स और सर्विसेज इकट्ठी दी जा रही होती हैं एक बंडल ये बंडल सर्विस है ना तो बंडल का मतलब हो गया बंड, बीड़ी का बंडल नहीं होता बीड़ियां होती है उसमें एक धागा लपेट रहे हैं कह बिल्कुल ठीक कह रहे हो तो जैसा एक्सपीरियंस है लाल रंग का धागा होता है तो बंडल पूरा बना दिया जाता है वो ऐसे गुड्स और सर्विसेज का बंडल यहां पर होता है तो ऐसे में दिक्कत आती है क्लासिफिकेशन की मान लीजिए वैल्यू को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो मैं आपको सर्विस भी दे रहा हूं किताबें भी दे रहा हूं दोनों एक गुड्स एक सर्विस है बंडल बनाकर सात हजार में बंडल दे दिया इस प्यार को क्या नाम दू इस बंडल को क्या नाम दू इस पूरे बंडल को अगर एक नाम देना हो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस तो आप उसे क्या नाम देंगे बताइए फाइनली <coughs> मैं सप्लाई ऑफ सर्विस अब यह देखना होता है कि इनमें से Uh, महत्वपूर्ण तो चीज कौन सी है मेरा बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किताबें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें की एलिमेंट कौन सा है ये मेरी सर्विस या मेरी किताबें बताइए ना सर्विस।, सर्विस की एलिमेंट है ये प्रिंसिपल एलिमेंट है तो पूरे बंडल के अंदर जो प्रिंसिपल एलिमेंट होता है उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं उसी के नाम से पूरे बंडल को बुलाया जाता है आपका परिवार मेरा परिवार परिवार भी तो एक बंडल ही तो है भाई है बहन है मम्मी है पापा है दादा है दादी है वो भी तो एक बंडल वो भी तो एक धागे से सब बंधे हुए हैं एक पूरे घर के रूप में बंधे हुए हैं लेकिन जब भी नाम आता है यह घर किनका है तो किनका हमें क्या आपका नाम आता है नहीं पिताजी का नाम आता है कि यह घर उनका है यह दादाजी का नाम आता है कि यह घर उनका है हां बोलो हां तो इसका मतलब यह कि वो घर तो सबका ही है प्रैक्टिकली लेकिन बोलने के लिए अगर एक नाम बोला जाए तो यह देखा जाता है कि उस घर का प्रिंसिपल पर्सन कौन है मुख्य पर्सन कौन है हेड पर्सन कौन है हालांकि हेड तो मम्मी होती है पर बाहरी दिखावे के लिए पप्पा का नाम लिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जग कैसा मेरे जैसा मैं तो मेरे घर की बात कर सकता हूं बस और मुझे लगता है जैसा मेरे घर में हो रहा है वैसे सबके घर में होता होगा है कि नहीं जी हाँ सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो तो ऐसे ही वो परिवार भी एक बंडल है उस बंडल में प्रिंसिपल नाम से पूरे बंडल को पूरे परिवार की पहचान कराई जाती है ऐसे यहां पे किया जाता है बोर्डिंग स्कूल की सर्विसेज हो गई बच्चा बोर्डिंग स्कूल में जाता है बच्चा पढ़ता भी है खाता भी है पीता भी है रहता भी है कपड़े भी धुलवाए जाते हैं सो मेनी काइंड ऑफ सर्विसेज आर ऑफर्ड एट ए सिंगल प्राइस पर दी जाती है हा बोलो हाँ तो इतनी सारी सर्विस जो दी जा रही हैं उनके अंदर मुख्य सर्विस कौन सी है बच्चा किस लिए लिए गया खाना खाना खाने के घर पे खाना नहीं मिलता था उसको रहने के लिए गया घर पे घर नहीं था उसका कपड़े धुलवाने के लिए गया है नहीं उसका मेन मोटो मेन एलिमेंट था वहां पर एजुकेशन इसलिए इस पूरे बंडल को पूरे पैकेज को एक सिंगल नाम से बुलाया जाएगा यानी कि एजुकेशन और उसी के हिसाब से उस पर जीएसटी की हम बात करके चलेंगे प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है राधे हाँ सर जी एकदम ठीक है को दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है साहबास मेरे बच्चा मेरे भूरा मेरे कबूतर <coughs> बहुत बढ़िया ध्यान दीजिए आज की क्लास छूटने ना पाए किसी भी बच्चे की हर बच्चे को आज की क्लास जरूर जरूर करके चलनी है ठीक सर जी अब आगे बढ़ते हैं तो हमें गुड्स या सर्विस देखने के बाद अगला गेट ये देखना पड़ता है कि अरे सप्लाई ऑफ गुड्स है सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या है कैसे है हाँ अगर सप्लाई बनी है तो तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं और अगर ये आपकी सप्लाई नहीं बनी तो यहीं से आउट वही वही म्यूजिकल चेयर वाला हिसाब किताब चल रहा है गोल गोल घूम रहे हैं कौन कब कहां कैसे आउट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है ऐसे करके उसके बाद मेरे बच्चा अगर ये सप्लाई बन जाती है तो फिर अगले राउंड में चल रहे हैं पूरे जीएसटी में पूरे बैच के अंदर आपको गोल गोल ही घुमाता रहूंगा मैं इसी इसी फ्रेम के अंदर इस फ्रेम से बाहर नहीं जाने वाला जब हमें किसी भी सब्जेक्ट एक फ्रेम मिल जाता है ना मैप मिल जाता है गूगल मैप की तरह तो चीजें बहुत आसान हो जाती है विश्वास मानो गेट नंबर थ्री अच्छा भैया सप्लाई बन गई है हां अब बताइए सप्लाई इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है हमें यहां पर सप्लाई के दो फाड़ करने पड़ेंगे किस तरह की है तो ये तो हम पहले से जानते ही हैं कि सप्लाई का ओरिजिन देखो कहां से चली है और कहां को चली है और इन दोनों बिंदुओं के बीच में दोनों पॉइंट्स के बीच में इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर कौन आ जाता है वो वो कौन पति पत्नी और वो नहीं वो वाला वो नहीं है यहां वो मतलब बॉर्डर अरे किसका बॉर्डर अरे किसका बॉर्डर भाई सर जी बॉर्डर दो कंट्री के बीच का बॉर्डर दो स्टेट के बीच का बॉर्डर दो यूटी के बीच का बॉर्डर एक स्टेट और एक यूटी के बीच का बॉर्डर बॉर्डर मतलब बॉर्डर अगर बॉर्डर आ गया तो ट्रांजेक्शन इंटर, इंटर स्टेट आई जस्ट विल बी देर पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट फिफ्टी परसेंट उसमें से ट्रांसफर हो जाएगा सी जीएसटी फंड में फिफ्टी परसेंट चला जाएगा डेस्टिनेशन या कंज्यूमिंग स्टेट के एस जी एस टी फंड में प्रेम से बोलेंगे तो यहां पर हमें यही सीखने को मिलेगा लेकिन मैं कहता हूं यहां से अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो अगर हमने यहां से एक्सपोर्ट कर दिया तो क्या होगा रे सर जी अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो फिर तो देखिए ये मैथमेटिक्स है अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो आप अच्छे से जानते आउट राइटली स्ट्रेट फॉरवर्ड जीएसटी आएगा ही नहीं क्योंकि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल आ गया ना बीच में उस भीषम पितामह डेस्टिनेशन प्रिंसिपल मतलब पितामह भाई उनके आगे किसी के ना चलते जो कहेंगे वो होगा भाई डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है वो कह रहा है कंजम्शन इंडिया के बाहर रहते यहां एस एस क्यों करा रहे हो भाई टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे तुम क्यों एस्टी करा रहे हो यहां पर आकर फिर तो जीएसटी की बात होगी ही नहीं और सिचुएशन यहां से हो जाएगी आउट तीसरे गेट से हो गया आउट और आउट का मतलब आउट होता है आपको बस ये देखना कौन सी चीज कहां से आउट, है और जहां से आउट हो गया कि उसके बाद उसकी चर्चा करूंगा आगे चलके नहीं करूंगा मुझे कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं रह जाता है तो यहां पे देखने को मिलता है, है, क्या है क्या, क्या यूटीज के बीच में आ रहे हैं मतलब बीच में कोई किसी प्रकार का बॉर्डर एग्जिस्ट करता है तो इंटर वरना इंटर स्टेट यहां पर बोल दिया जाता है ठीक अच्छा जी उसके बाद हमारा फिर अगला गेट आएगा हमने क्या देख लिया गुड्स या सर्विस है या नहीं है तो आगे बढ़े सप्लाई चेक किया है तो आगे बढ़े इंट्रा या इंटर यह है तो फिर आगे बढ़ रहे हैं कि यह जो आपका आ, सप्लाई कराई जा रही है ये आपकी साहेब टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होनी चाहिए यह चौथा गेट है इसका नाम है मालिक यहां पर आकर टैक्सेबल पर्सन क्या नाम है रे टैक्सेबल पर्सन है टैक्सीबल पर्सन का मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सीबल पर्सन का मतलब जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है हम उसकी बात यहां पर कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या अरे जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा हो कल पोर्टल पे देखा नहीं था हमने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन जाता है जिसका टर्नओवर नॉर्मली बीस लाख से ऊपर का होता है इसको इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं शादीशुदा कैसा रे शादीशुदा जिसके हाथ पीले कर दिए गए हों ज्वाइंटिस की वजह से पीले ना हुए हो पीले हल्दी से हल्दी से होते हैं किससे होते हैं हल्दी से होते ना हाँ हल्दी से पीले कर दिए गए हो उसे बोलते हैं शादीशुदा यस सर और जो शादीशुदा नहीं है वो कौन वो बैचलर वो बैचलर ध्यान रखना हमेशा रजिस्टर्ड मतलब शादीशुदा बचपन में भी तो बोलते थे अगर कोई दिखता था भाई कि शायद दिख रहा है कि भाई शादी हो चुकी था अरे रजिस्टर्ड है ऐसे बोलते थे ना बचपन में शिव 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 आगे बढ़ते हैं साहब तो टैक्सेबल पर्सन के हाथों से वो होना चाहिए जिसके हाथों में मेहंदी लगी हो हाथ पीले हो रखे हो अगर किसी बैचलर के हाथों से ये काम हो गया कि गुड्स या सर्विस की सप्लाई है इंट्रा हो या इंटर है लेकिन हुई बैचलर के हाथों से है तो वहां जीएसटी नहीं लगाया जाएगा जैसे कि हमारी कॉलोनी में आता है सब्जी बेचने वाला आलू है टमाटर है भिंडिया है के खीरा संतरा मिठाई है लेकिन वो ऐसे नहीं बोलता वो बोलता सब्जी सब्जी वो खूब से खा लिया मैंने कई दिन उसे आवाज लगा लगा के उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आती है ऐसे बोलेगा सब्जी ठीक है जी कोई बात नहीं अब वो सब्जी बेचने वाला है जरा चेक करना उसे इस इस राउंड राउंड टेस्ट पर या घुमा दो जरा उसको पकड़ के सब्जी वाले को बैठा यहां पर हाँ भाई वो जिसमें डील कर रहा है वो गुड्स की बात कर रहा है सर्विस की वेजिटेबल क्या है ये एक है, गदर एक गुड्स है है जैसे गदर प्रेम कथा वैसे यहां पर ये एक है, एक गुड्स गुड्स है है वेजिटेबल क्या सब्जी का बेचना क्या ये सप्लाई बन जाएगा यस और नो द आंसर इज यस अच्छा इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है सर वो सेम स्टेट का आसपास के लोकल का ही बंदा होता है तो जहां से वो आया है और जहां पर वो काम कर रहा है सब लोकल में ही है सर तो ये इंटरेस्ट है तो गुड्स भी है सप्लाई भी है इंटरेस्ट भी है लेकिन क्या वो सब्जी वाला एक शादीशुदा आदमी है क्या जीएसटी की मेहंदी से उसके हाथ रचे हुए हैं तो आंसर है कि वो बैचलर है भले उसकी शादी हो गई है बच्चों बट जीएसटी की दुनिया में वो बैचलर है और बैचलर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनको यहां किराए पर कमरा भी नहीं मिलता है मैं जैसे पुणे जाता हूं तो वहाँ मैं ढूंढता हूँ भाई किसी का फ्लैट व्लैट मिल जाए कोई सबसे पहले पूछते बैचलर हो या मैरिड हो हमने कहा मैरिड है जी पत्नी साथ में मैंने कहा नहीं फिर कौन साथ में और मैंने कहा असिस्टेंट करे कौन असिस्टेंट मेल है कि फीमेल है मैंने कहा मेल है भाई तो तो भी नहीं मिलता और फीमेल का नाम ले दिया तो भाई धक्के मार के बाहर फेंक देंगे पता नहीं क्या 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 कर सकते हैं बताइए क्या मेंटिलिटी हो चुकी है आगे बढ़ते हैं मालिक तो यहां पर आकर ये हो गया जी तो यहां पर मैं सीखने को मिलेगा कि शादीशुदा किसे कहते हैं और बैचलर किसे कहते हैं बैचलर ने किया है तो यहां से आउट सब्जी वाला आउट हो गया बूढ़ी अम्मा सड़क पर चने बेच रही है मूंगफली बेच रही है बेल्ट चश्मा ये सब बेचा जा रहा है ठेलियों पर क्या जीएसटी आएगा no. जीएसटी वहां पर नहीं आएगा क्योंकि गेट नंबर चार से हो जाएंगे आउट जितने भी छोटे छोटे कारोबारी हैं जितने भी छोटी गली मोहल्ले की चूरन चटनी की दुकानें खुली हुई हैं जो 20 लाख के दायरे में आ रही हैं ये सब बैचलर हैं इन पर जीएसटी नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि गेट नंबर चार से इनको भगा दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे सिस्टम समझ में आ रहा भाई साहब आ रहा है ना बस सिस्टम एक बार पकड़ लिया ना आपने फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं फिर तो जितना मर्जी उड़ते रहे ना क्योंकि जब भी तुम्हें कन्फ्यूजन आएगी मैं पकड़ के सिस्टम में डाल दूंगा आ जा यहां आ जा बता यहां आ जा अपने आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ये ऐसा सिस्टम है यहां पर उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे आता है आपका गेट नंबर पांच बच्चे क्वेरी पूछ रहा है सर मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस पंजाब में है एंड मैं कोई सेल करने स्पेशली स्टेट से बाहर जा रहा हूं तो वो इंटर स्टेट हुई या इंट्रा स्टेट हुई है बाबू तुम्हारे सारे क्वेश्चन शर्माते सब आ जाएंगे अपने आप चिंता मत कीजिए अभी पहले ओवरव्यू सा देकर वापस घूमकर इसी डायग्राम में मैं आ रहा हूं यहां आपको दिख जाएगा ये ठीक है वेरी नॉट आई विल टेक केयर ऑफ योर क्वेरी गेट नंबर पांच की बात कर रहे हैं गेट नंबर पांच की बात कर रहे हैं यहां पर क्या आता है सर जी यहां पर आता है साहेब कि ठीक है सरकार ने कुछ चीजों को जीएसटी से फ्री कर रखा है क्या कर रखा है कुछ चीजों को जीएसटी से कर रखा है फ्री जीएसटी फ्री का मतलब दैट इज इसे बोल देते हैं exempted. क्या रे एग्जेमट जीएसटी फ्री मतलब क्यों कर दिया अरे हैं कुछ चीजें कुछ होते हैं सिचुएशन सामने तो जिसकी वजह से सरकार को टैक्स फ्री करनी पड़ती हैं चीजें अब जैसे ये गेट नंबर पांच का मैंने नाम दे रखा इसे, इसे है हंड्रेड परसेंट exemptions, ओके okay? तो अगर हम सर्विसेज की बात करके चले क्योंकि जीएसटी में दो रोड जाती हैं एक रोड गुड्स की जाती है एक रोड सर्विस की जाती है लगभग लगभग आपके भगवान झूठ ना बुलाए हंड्रेड प्लस सर्विसेज जो हैं जीएसटी की दुनिया से बाहर हैं एग्जेप्ट कर रखा है फॉर एग्जाम्पल सर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एजुकेशन की सर्विस हो गई अच्छा या ये मान के चलिए वो नहीं है आपके बेसिक नीड्स क्या होती हैं रोटी कपड़ा और मकान तो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इस तरह की जो चीजें हैं उनको यहां पर एग्जेप्ट कर रखा है एजुकेशन जैसे कि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया है ना तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको यहां से एग्जेम्प्ट कर रखा है और एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं वो कहते हैं कि जो जरूरतें होती हैं जो नीड्स होती हैं वो एक भिकारी की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो इच्छाएं होती हैं डिजायर्स होती हैं वो एक राजा की भी अधूरी रह जाती हैं सुना है आपने ऐसे बोल दिया करो वाह, वा, अच्छा लगता है मुझे वाह वाह, और यहां पर आकर अगर हम बात करते हैं देखना होता है हमें कि जो बात चल रही है, वो एक डिजायर है या वे वो फिर एक प्रकार की नीड है नीड है तो यहां पर अगर ये आपकी एक नीड है मालिक फिर जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए नीड और नीड के अंदर भी होती कुछ बेसिक नीड्स होती हैं नीड पर जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताइए पहले सर नहीं आना चाहिए और जो इच्छाएं होती हैं आज मैं ऊपर इच्छाएं तो अनलिमिटेड हैं मन करता है कि बॉम्बे टू गोवा जलेश नाम का क्रूज चलता है उसमें तीन चार के आए रहते हैं अपनी मन तो ये भी करता है इच्छाओं को तो कोई सीमा ही नहीं भाई साहब है। इच्छाएं हैं तो लगाओ जीएसटी लगाओ जीएसटी भाई साहब जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जाते हैं मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं दिल्ली से बाहर जा रहे हैं नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है ये नीड है कि डिजायर है नीड है नीड है सर जीएसटी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए तुमसे बनवा दूंगा सारा लॉ आपको मैं निकाल के दूंगा कि इसकी बैकबोन क्या है लॉ किस पर टिका हुआ है उसको बताकर फिर आपसे तो सारा लॉ ड्राफ्ट करवा दूंगा सर नीड है एक नीड है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा यहां पर आकर एग्जैम्ड करके बाहर निकल रखा है लेकिन टूरिस्ट बस होती है एक टेंटन आ टन टनटन टन 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 टारा कितना खुश होता है ना व्यक्ति जब घूमने घाम चार पांच दिनों के लिए घर से दूर है, काम धंधे से दूर साहब मौज मौज आ, तरह भाई चला आगा। है भाई कितनी मौज आती है तो ऐसी जब मौज आ रही होंगी तो ऐसे में जीएसटी भी लग जाना चाहिए कि नहीं लग जाए वो टूरिस्ट को नीड तो है नहीं भाई साहब व्यक्ति मर जाएगा टूर नहीं जाएगा तो वो डिजायर है और व्यक्ति कितना खुश है तो गवर्नमेंट भी खुशी में वहीं टाक मारती है तो खुशे तो हमें भी खुश कर दे थोड़े छीटे यहां भी करा दो कि आज खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए पलक बंद कर लू कहीं छलक ही ना जाए तो गवर्नमेंट ने कहा थोड़े यहां भी छलका दो तो छलका दिया जीएसटी लगा दिया उसके ऊपर अच्छा जी स्कूल में कॉलेज अगला पॉइंट स्कूल में कॉलेज में वगैरह वगैरह में जो एजुकेशन आपको दी जा रही है शिक्षा दी जा रही है वो एक नीड है या फिर वो एक डिजायर है नीड है पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया जीएसटी वहां से हटा दिया गया लेकिन ये जो ट्यूशन आपका चल रहा है इसे बोलते हैं सरकार बोलती है पता है क्या बोलती है कमर्शियल कोचिंग एंड ट्री कम, कमर्शियल इस पर ज्यादा दो जोर कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेस को बोला जाता है ये नीड है या डिजायर है ईमानदारी से सर नीड तो नहीं है बच्चा घर भी बैठ के पढ़ सकता है सेल्फ स्टडी आराम से कर सकता है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बच्चे तो सेल्फ स्टडी करके भी रैंक लाते हैं ये ट्रू है लेकिन इस अब फर्क क्या होता है आपको बोथ ग्रुप देना है ना तो क्या होता है कि जब एक टीचर से क्लास ले रहे होते हैं तो जो क्लैरिटी आपको तीन चार बार पढ़ने से आती है सब्जेक्ट में कोचिंग लगाने से वो क्लैरिटी आपको एक बार में आ जाती है तो आपका समय बचता है इसलिए कोचिंग आप लेकर चलते अदरवाइज वैसे कोई नीड नहीं इट्स जस्ट डिजायर तो यहां पर सरकार कहती है लगाओ जीएसटी और सरकार को पता क्या लगता है हम बहुत मोटा कमा रहे हैं भाई नहीं कमा रहे मोटा हम हम समाज सेवा कर रहे हैं विश्वास मानिए बहुत ज्यादा नहीं बचता हमें और मैं तो कहता हूं सरकार तुमने जीएसटी हमारे ऊपर लगा रखा है तुमने हमारे ऊपर क्या इन नन्न मुन्ने बच्चों के ऊपर लगा रखा है देखो उनकी शक्लें भोले तो भोली भोली शक्लें देखो इनके ऊपर इनके मेरे ऊपर क्या है इनसे लूंगा आपको दूंगा तो आप प्रैक्टिकली इनको कर रहे हो तो आपको जीएसटी हटाना चाहिए सरकार कहती है कि हे राजकुमार हे राजकुमार हम जीएसटी हटा तो देंगे लेकिन तुम अपनी फीस अकॉर्डिंगली कम नहीं करोगे तुम्हारी फीस अगले बैच में वही रहेगी अब मुझे बताइए आप कमेंट्स करके बताइएगा सरकार ठीक कह रही है कि नहीं कह रही है क्या मेरी फीस जीएसटी अगर एग्जेम कर देगी सरकार तो फीस अभी भी वही रखूंगा या कम हो जाएगी क्या लगता है आपको <laughs> तो ऐसे करके है यहां पर आकर मालिक तो बोले तुम फीस वही रखोगे तो प्रैक्टिकली जीएसटी माफ होने का जो बेनिफिट है वो बच्चों को नहीं तुम ले गए इसलिए इसमें माफ करने वाले नहीं है वैसे मेरे हिसाब से ये जाती है मैं इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं मतलब जितनी मेहनत से आपके स्कूल में प्रोफेसर आपके टीचर जो स्कूल या कॉलेज में थे वो पढ़ाते थे क्या उतनी मेहनत हम नहीं करते यार ईमानदारी से बताइए

तो आईसीयू भर्ती हो जाऊंगे <laughs> क्या है वे? वे क्या है क्या डर लग रहा है ये ये तो okay? yes, <laughs> आएगी <कम> आ आए? <laughs> जाएगी ट्रैकिंग आईडी मेरे लाल मेरे काले मेरे पीले जी आप हमारा मैसेज देख रहे हाँ मैं तुम्हारा मैसेज देख रहा हूं मैं तुम्हें भी देख लूंगा ठीक <laughs> है दोनों को देख लूंगा मैसेज किया तुम्हें भी आगे बढ़िए मालिक आगे क्या निकल के आता है तो आई होप ये समझ में आ गया लगभग 150 तरह के जो गुड्स हैं वो आपके यहां पर एग्जेड कैटेगरी में चले जाते हैं हालांकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है जैसे इंडियन फ्लैग हो गया भारत का झंडा मेरे पास है ना विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा ये देखिए ये मेरे पास भारत का झंडा है क्या इस पर जीएसटी लगाया जाता है नहीं लगाया जाता है तो जहां पर यह कारोबार किया जा रहा होगा जहां पर यह कारोबार किया जा रहा है जहां पर झंडा बनाया जा रहा है मान लीजिए मेरी फैक्ट्री बनाया जा रहा है यहां से खरीद कर लिए गए इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा एट ऑल अच्छा ये गुड्स है या सर्विस है गुड्स है क्या झंडे का बेचना सप्लाई है हा है इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड वो देख लेंगे नॉर्मली इंट्रा ही आएगा क्या जो फैक्ट्री से बन के जहां से निकल रहा है क्या वो एक टैक्सेबल पर्सन है शादीशुदा है क्या उसका टर्न ओवर लाख से ऊपर है हा है लेकिन पांचवें गेट पर आकर सरकार ने इस पे से जीएसटी हटा दिया अलग कर दिया कि छो छो रह दो कोई मत लगाइए इसके ऊपर फाइन यस सर एकदम फाइन इसको आप ऐसे खड़े ही रखना लिटाना नहीं है ठीक है वो पीछे लगा दो आप इसे लेकिन फिर भी ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए इसको आप ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं और जो मेरे क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसको सौ रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा हंड्रेड रुपीज वाला क्वेश्चन है आप तैयार रहा करो थोड़ा दिमाग लगा के रखा करो आप मैं इतने सारे दूंगा कि अगर एक बच्चा सारे सही जवाब देता पूरे बैच के अंदर तो उसकी फीस रिफंड होगी एक तरीके से देखा जाए तो सौ रुपए का क्वेश्चन है रेडी यस yes. हमने कहा कि कुछ चीजें आपके गेट नंबर दो से आउट कराई जा रही हैं यहां से सप्लाई ही नहीं बनने दी जा, जा रहा है और जो गेट नंबर पांच से आउट हो रहा है जिनको एग्जैम्ट करके हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां तक अगर कोई चीज यहां पांचवें गेट से बाहर जा रही है तो मतलब पहले चार गेट से वो बाहर नहीं गई है एग्रीड और नॉट अगर कोई चीज पांचवें गेट से बाहर जा रही है घूमते 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 तो पहले चार गेट से बाहर नहीं गई है मतलब ये कि गुड्स या सर्विस रही होगी सप्लाई रही होगी इंटरा इंटर रही होगी टेक्सवल पर्सन रही होगी एंड अब वो यहां से बाहर निकाल दिया गया है ऐसे करके माई क्वेश्चन इज दिस वट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट नंबर टू एंड गेट नंबर फाइव गेट नंबर दो से भी चीजें बाहर निकाली जा रही हैं गेट नंबर पांच से भी चीजें बाहर निकाली जा रही हैं तो दोनों के बाहर निकाले जाने में क्या अंतर है क्योंकि हम देख रहे थे यहां पर कुछ चीजों को सप्लाई ही नहीं बनने दिया गया था कि भैया निकलो यहां से है ना एंड उसके बाद फिर हम यहां देख रहे हैं कि कुछ को यहां से एग्जैम्ट करके बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता है ऐसे करके मालिक बोल रहे हैं तो बताइए आपका क्या कहना है इस पर आकर्ष इज द डिफरेंस सप्लाई ना बनने देना गेट नंबर दो से बाहर निकाल दिया दूसरा केस सप्लाई तो बना पर पांचवें गेट से एग्जाम करके बाहर निकाल दिया इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है सर गेट नंबर दो से तब निकालते हैं जब सप्लाई नहीं हुई पांच में हमने कहकर निकाला है अच्छा कहकर निकाला मतलब वही तो आगे मुझे वासीपुर का डायलॉग याद आ गया, गया। <laughs> कह के निकाला है अच्छा गेट नंबर दो में तो चीज की वो चीज की सप्लाई ही नहीं होती सकती और गेट नंबर पांच डायलॉग थोड़ी ना मूवी का यार टू क्या मुझे लगता है तू मैं गुड तो लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें छूट दे रखी है ओ हो हो भाई साहब मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ एग्जेमट आप कह हो हिंदी में छूट दे रखी है वेरी गुड अच्छा जी वाली चीज गेट पांच वाली चीज गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है अच्छा भार्गव कहते हैं इन नेचर तो गुड्स बट वैसे एग्जेम बच्चा अंकिता प्रजापति पांच वाली नीट्स होती है ओए मन के अरमान निकल निकल के आते हैं इनाम पांच सौ रुपए मैं अपनी बातों को वर्ड्स का बड़ा पक्का हूं मैं फाइव हंड्रेड रुपीज सही जवाब दे देगा बट गेट पांच में जीएसटी लगा सकते हैं पर लगाना नहीं चाहते आ हा गेट नंबर वन टू थ्री फोर की गेट नंबर पांच में क्लियर हो हो स्मृति सिंह कहते हैं तृप्ति कुछ और कह रहे हैं शिवांश कहते हैं सर क्राइटेरिया अलग है जैसे इनाम की धनराशि बढ़ी है नए लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग मन के भाव उमड़ उमड़ के नया नया हलवा बनाया जा रहा है पेट के अंदर फिर बाहर निकाला जा रहा है मुझे यही चाहिए होता है बिना पैसे के भी यही आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए पर अब हम बताते हैं आपको कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है आपने देखा होगा यहां जरा ये व्यक्ति है अगर मैं आपके वो होता है ना बालों पे वो लगा दूं क्या बोलते हैं उसे उसरा उस्तरा लगा के सारे बाल इनके निकलवा दूं चकाचक बनवा दूं इसको तो एक व्यक्ति तो ये दिखेगा एक दूसरा व्यक्ति जिसकी उम्र पचास साल जिसके बाल उड़ गए हैं उसका चिकना दिख रहा होगा हो आपका भी चिकना है इन दोनों चिकने में क्या फर्क है बस तुम्हारे उसके आदमी का नहीं पूछा इसका पूछ रहा हूं दोनों के सर में क्या डिफरेंस आ गया तुम्हारे बाल में उस तरह से खत्म कराए हैं और जो पचास साल का बाई एज के हिसाब से उड़ गए हैं खत्म हो गए उनके तो वैसे गए हैं इनके निकाले गए हैं मेरे दोबारा आ जाएंगे उनके दोबारा हाँ कह रहे मेरे तो दोबारा आ जाएंगे उसके दोबारा नहीं मतलब इसके जो बाल हैं उनमें ठीक है बाल नहीं ऊपर बट रूट्स हैं बालों की जड़ें अंदर हैं जो फिर से उगकर आ जाएगी और जिसके बाल खत्म ही गए झड़ गए हैं तो उसकी जो रूट्स हैं वो भी नहीं बची हुई है। हैं उसके बाल वापस उगकर आने वाले नहीं हैं बैठिए जरा वही डिफरेंस है आपके इन दोनों गेट के अंदर दोनों गेट में वही डिफरेंस है गेट नंबर दो ये रहा सप्लाई नहीं है तो ऐसे मानो जैसे कि हमने इसको जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है रूट ही नहीं है वो पचास साल का जो व्यक्ति था वो आपका इस कैटेगरी में आ रहा है झड़गे बाल वापस आने का कोई चांस नहीं है बाल उगकर नहीं आएंगे जड़ से उखाड़कर फेंक देना जड़ से उखाड़ क्या हो रहा है हां जड़ से उखाड़ देना जड़ से उखाड़ देना दूसरा क्या है यहां 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 कह रहे हैं कि रूट तो है लेकिन उसको कर दिया गया है ट्रिम कर दिया गया है रूट तो है बट उसे हमने ट्रिम कर दिया है इसलिए बाल नहीं है यानी कि आगे उगकर बाल आ सकते हैं आई होप बात समझ में आ गई होगी अब मुझे बताइए कि जिसको जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हैं अब यह सरकार की मेंटेलिटी देखनी होगी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं जवाब दीजिएगा आप बाहर निकाल रहे हैं लेकिन कितनी कठोरता से अगर किसी को आपने अपने घर से निकालना हो एक तो था चार भैया भाई, भाई, भाई तू जा भाई तू निकल निकल एक तो ये होता है ऐसे बोल दिया और एक होता तो है धक्के मार के लात मार के बाहर निकालना एक ये निकलना होता दोनों केस में निकाला गया है लेकिन दोनों में कठोरता अलग अलग है शमशान घाट मृत शरीर को वहां ले जाया जाता है डेड बॉडी को ले जाया जाता है जलाया जाता है वहां कुछ लकड़ियों का खर्चा होता है कुछ और चार्जेस होते हैं उनके सामग्री वगैरह के चार्जेस कुछ होते हैं लगभग पांच हजार रुपए शमशान घाट में एक व्यक्ति का दाह संस्कार करने के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए लिए जाते हैं इस पांच हजार पर आपके कॉमन सेंस के मुताबिक आपकी इंटेलिजेंस के मुताबिक जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए यस और नो आंसर स्नो आप इस बात को कैसे मतलब कितनी कठोरता से बोले नहीं लगना चाहिए नहीं या फिर नहीं लगना चाहिए क्या इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि चलो एक काम करते भविष्य में सोचा जा सकता है कैसी कुछ गुंजाइश दिखती है आपको कि चलो आज तो नहीं लगा रहे लेकिन भविष्य में आज से दो चार साल बाद हो सकता है कि शायद लगाने का मन बन जाए क्या यह ऐसी चीज है नहीं मेरे हिसाब से मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि शमशान घाट पे जीएसटी नहीं है इस बात को जड़ से उखाड़ कर फेंकूं या सिर्फ ट्रिम करूं जवाब दीजिए जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए ना बस तो जिन चीजों में सरकार को यह लगता है बाबू लॉ याद रखना समझना बड़ी चीज नहीं है आपको लॉ के भीतर लॉ मेकर के दिमाग में जो इंटेंट रहे हैं जो उसकी सोच रही है लॉ बनाते समय उसको पकड़ना होता है क्या यह तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा ना जो मैंने पूछा आपसे पर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जब तक बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तुम्हारी कॉपी बोलेगी नहीं जब तक तुम्हारी कॉपी बोलेगी नहीं तुम्हारे ऑल इंडिया हाईएस्ट नहीं आएंगे ग्यारह बार ऑल इंडिया हाईएस्ट आया है क्लास में से बारहवीं बार तुमको आना है इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग शमशान घाट पे तो जिन चीजों को सरकार ने ना जीएसटी आज है और ना कभी भविष्य में लगाना चाहती है ना कभी सोच ऐसे कि भविष्य में लगेगा उन चीजों को हमने जड़ से निकालकर फेंका है उसे सप्लाई तक नहीं बनने दिया लेकिन जिन चीजों पे सरकार को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है आज तो जीएसटी नहीं है बट हो सकता है भविष्य में लगाया जा सके तो उसकी उन्होंने रूट बचा कर रखी है उसकी रूट को बचा कर रखा है उसको यहां से ट्रिम कर दिया ठीक है भाई बाल काट दिया लेकिन रूट अभी भी है एग्जाम करने का मतलब बस इतना सा होता है कि अगर ये चीज यहां पे रखी हुई है और हमने इसको बस एक एग्जम्शन एक की चादर से ढक दिया है बस इतना होता है ढक दिया दिख नहीं रहा ढक दिया है इतना अंतर होता है इतना अंतर होता है जो अंतर गांधारी में और धृतराष्ट्र में था वही अंतर है दोनों में समानता क्या थी धरतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही नहीं देख पाते थे लेकिन अंतर क्या था अंतर यह था धरतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे जड़ ही नहीं थी आंखें ही नहीं थी लेकिन गांधारी के आंखें थी लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी पट्टी को निकालने में एक सेकंड में पट्टी हटेगी और दिखना शुरू लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता था आई होप आप बात की गहराई को समझ गए होंगे कि सप्लाई गेट से बाहर निकालना कितनी कठोरता से धक्के मार के बाहर निकाला कि जाओ वापस जिंदगी में कभी शक्ल मत दिखा देना अपनी लौट के लेकिन यहां एग्जाम से जो बाहर जा रहे हैं उनको प्यार से निकाला गया है हो सकता है बुला भी लिया जाए एक साल दो साल बाद एग्जामेशन को विड्रॉ कर लिया जाए क्योंकि जैसे ही पट्टी हटती है एग्जामिशन विद्रॉ हो गई वो चीज फिर से टैक्सेबल हो जाती है आई होप बात समझ में आ गई होगी हाँ बोलो हाँ आगे बढ़ते हैं तो अगर मान लीजिए कोई चीज आपकी इससे इंडियन फ्लैग है तो ये गुड्स भी है सप्लाई भी है एंड आपका स्कूल या, या, की सर्विस ले लीजिए डॉक्टर की सर्विस ले लीजिए सप्लाई भी है सर्विस भी है एंटर भी है है ना लेकिन उसको यहां पर पांचवें गेट पर लाकर एग्जेम्ट कर दिया जाता है वैसे करके तो इसका मतलब यह हो गया कि पांच गेट तक आते आते यह कंफर्म हो जाएगा आपको कि जीएसटी लगना है या नहीं लगना है एक से पांच गेट तक पांच के बाद मैंने नंबर गेट नहीं बोला है मैं क्या बोल रहा हूं अब बॉक्स करके बोल रहा हूं इसका मतलब यह हो गया कि जीएसटी से बचने के सिर्फ पांच चांसेस हैं पांच पांच कोई छठा दरवाजा इस जीएसटी के इस महल में नहीं है यहां पांच एग्जिट डोर है बस तो जब भी आप सीए बनने के बाद अपने क्लाइंट का यहां देखोगेटी तो तो को कम करोगे जहां टैक्स लाइबिलिटी बीस करोड़ की आती है आपको लानी है वो पंद्रह करोड़ पर दस करोड़ पर और अगर आपने अपने क्लाइंट के पांच करोड़ बचा दिए ना एक करोड़ आपको खुशी खुशी दे जाएगा वो काम करने चिल्लर काम नहीं करने के रिटर्न दो हजार पांच हजार दस हजार की ये काम नहीं करना है आपने अपना टिकट साइज बड़ा रखना लाखों करोड़ों की बात करना यार खूब पैसे कमाने हैं आपने सोच छोटी मत रखना बिल्कुल भी लाख दो लाख की महीने की मत सोचना बड़ी बात सोचना तो मिलेगा कुछ लोग कहते यार आसमान का सोचो तो कम से कम चार मंजिल तो चढ़ ही जाओगे बिल्डिंग की छत तक मैं कह रहा हूं आसमान का सोचा है, तो आसमान तक ही जाओगे क्यों नहीं जाओगे मैं तो जाऊंगा जहां तक मैं सोचता हूं वहां जाऊंगा मैं जो मैंने सोच रखा है छत पे ही क्यों जाऊंगा अगर मुझे रैंक लानी तो रैंक से कम कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ लोग बोलते हैं रैंक की तैयारी कर लोगे तो कम से कम क्यों कम से कम जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं जो मेरा टारगेट है मुझे वही मिलेगा और मैं पा कर रहूंगा मैं पागलपन की हद तक जाऊंगा उसके लिए करना पड़ता है जीवन में कुछ पाने के लिए सैक्रीफाइसिस करने पड़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहां तक कंफर्मड हो जाएगा जीएसटी लगना है या नहीं लगना है तो मैं वही कह रहा था आपसे कि क्लाइंट को कैसे आप प्लानिंग कैसे करोगे प्लानिंग ऐसे करना सबसे पहले यह देखना कि तुम्हारा जो क्लाइंट है वो गुड्स में डील कर रहा है या सर्विस में किस में डील कर रहा है और कुछ ऐसी रूपरेखा करना कुछ ऐसी चमत्कारी करना कुछ ऐसा चमत्कार करना कुछ ऐसी कलाकारी करना कि उसके जो चीजें हैं वो गुड्स या सर्विस की परिभाषा से ही बाहर हो जाए जिसमें वो डील कर रहा है वो गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन में फॉल ही ना करे कुछ ऐसी कलाकारी करना अभी आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर होगा अगर आप ये कर पाए तो आपने गेट नंबर एक से ही बाहर कर दिया दस तरह की चीजों में डील करता है एक तरह की चीज में भी आपने ऐसा कर पाए कि गुड्स या सर्विस की परिभाषा में फॉल नहीं करने दिया आपने उस चीज को नाम बदला रूप बदला स्वरूप बदला जो मर्जी किया आपने तो आप जीत जाओगे चलो यहां से ना बच पाए तो आपके पास एक और चांस है बाहर निकलने का इस नेट में इस महल में पांच एग्जिट हैं कोशिश करना कि वो जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो ट्रांजैक्शन सप्लाई ही ना बने क्या ना बने सप्लाई ही ना बने सप्लाई ना बने तो आपको इसकी स्टडी करनी पड़ेगी बहुत शानदार तरीके से बड़ी गहराई से पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी डीपली जाकर कि ये वो चीजें हैं जो आपकी सप्लाई नहीं बनती है ऐसा करना ऐसा खेल खेलना ऐसी चमत्कार कर देना कि वो यहां पर आकर कहीं ना कहीं फॉल कर जाए इसमें फॉल कर गया तो मतलब गेट नंबर दो से बाहर जीएसटी लगेगा ही नहीं यहां से भी बाहर ना आके लिए तो तीसरा चांस आपके पास टैक्स लाइबिलिटी बचाने के लिए कि कुछ ऐसा करना कि वो कुछ एक्सपोर्ट दिखाई दे भले ट्रांजेक्शन इंडिया टू इंडिया ही हो रही हो लेकिन हो सकता है नेपाल होके घुमाना भूटान हो गए घुमाना चाइना घुमा के, के दिखाना क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो आप जानो समझ रहे हो मेरे कुछ कुछ हिंट मिल रहे हैं आपको खेलो कुछ ऐसा दिखाना कि जाए इंडिया में पर लगे एक्सपोर्ट यही तो प्लानिंग होती है कहीं पे निगाह है कहीं पे निशान सीधे सीधे -सीध बात नहीं बनेगी कुछ ना कुछ कवरिंग करनी पड़ेगी लपेटना पड़ेगा लिफाफे चढ़ाने पड़ेंगे रूप बदलना पड़ेगा नाम बदलना पड़ेगा चीजें चेंज करनी पड़ेंगी तभी तो पैसे मिलेंगे ठीक है चीजों को समझो उनको डिफरेंट एंगल से करना पड़ेगा जैसे डिफरेंट एंगल में आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के जरिए एक छोटा बच्चा था करीब करीब पांच एक पांच छह साल का बच्चा रहा होगा पिताजी घर पे आए ऑफिस से हारे थके हुए थे बच्चे का खेलने का मूड था पिताजी के साथ में पिताजी लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे ऑफिस का ही बच्चा कहता पापा, पापा खेलना पापा खेलना है पापा खेलना है पिताजी थोड़े चिढ़ रहे थे वो परेशान से थे अब बच्चा परेशान कर रहा था तो उन्होंने क्या किया बराबर में एक वर्ल्ड मैप रखा हुआ था उस वर्ल्ड मैप के टुकड़े टुकड़े कर दिए पिताजी ने और कहा कि बेटा एक काम कर पहले इसको जोड़ के ला ठीक से तब चलेंगे बाहर घूमने के लिए बच्चा खुश हो गया बच्चा वो सारे वर्ल्ड मैप के टुकड़े लेकर अपने कमरे में जाता है और करीब बीस मिनट बाद बच्चा उन टुकड़ों को जोड़कर ले आता है कि पिताजी मैं जोड़ कर ले आया अब जैसे पिताजी ने उन जुड़े हुए टुकड़ों पर नजर डाली तो पिताजी के होश उड़ गए उस पाँच छह साल के बच्चे ने वर्ल्ड मैप को एकदम ठीक जोड़ रखा था पिताजी बोले बेटा ये काम तो शायद मैं भी ना कर पाता तेरी मम्मी भी ना कर पाती ये तूने कैसे कर दिया तो वर्ल्ड मैप को जोड़ लाया तो बच्चा बोला पिताजी इस वर्ल्ड मैप के पीछे ना डोरेमोन की तस्वीर थी मैं तो डोरेमोन की तस्वीर जोड़ रहा था वर्ल्ड मैप तो अपने आप जुड़ गया आप समझ पाए कर कुछ और रहे हो कुछ और रहा है इस तरीके से आपको चीजों का एंगल चेंज करना होता है डिफरेंट एटीट्यूड लगाना होता है अलग से देखना होता है सामने से नहीं टकराना कुछ घुमा फिर आके कुछ लपेट के कुछ आप समझ पा रहे मेरी फीलिंग्स में क्या बोल रहा हूं आपको कुछ ना कुछ तो गेम चेंज करना पड़ेगा ना सिस्टम बदलना पड़ेगा पुराने सिस्टम को फाड़ के नया सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा और जो नया सिस्टम बनाओगे ना उसमें टैक्स लाइब्रिटी आपकी कम होगी मैं चोरी की बात नहीं कर रहा प्लान करने की बात कर रहा हूं तो आपके पास पांच ही एग्जिट है इस बात का भरोसा रखना ध्यान रखना यहां ऐसा कुछ करना कि आपका जो क्लाइंट है वो बैचलर नजर आए शादी होने के बावजूद भी और अगर ये सबसे बड़ा गेट है यहां डेढ़ सौ तरह के गुड्स और सौ तरह की सर्विसेज हैं आप क्लाइंट जिन गुड्स या सर्विस में डील कर रहा है उनकी ऐसी पैकिंग कर देना गुड्स या सर्विस की कि वो है तो कुछ और लेकिन दिखे कुछ और तो यहां से एग्जन रूट से बाहर ले जा सकते हैं लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता है किसी महल से उसको छिपाकर बाहर निकाल देना इतना आसान काम नहीं होता जगह जगह पर पहरेदार होते हैं लेकिन वो काम कर पाते हैं जो जो रिसर्च करते हैं इनके ऊपर और ये ये प्लानिंग करने के लिए ईमानदारी से बताइए क्या पूरा जीएसटी एज ए होल एज ए होल आपकी ग्रिप में होना जरूरी है कि नहीं है कि अगर मैं ये काम करता हूं तो यहां से कहां का क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे इसकी चेन कहां से कहां निकलेगी इसका ब्लड बिल्कुल डॉक्टर की तरह है। कि मैं ऑपरेशन करूंगा तो ब्लड फ्लो आएगा ये यह यहां से कहां जाएगा यहां का इफेक्ट कहां पड़ेगा किडनी पे कैसा रहेगा इस पर क्या आएगा वो पूरा ताना बाना आपके दिमाग में ऐसे घूमना चाहिए एक सेकंड में सारी चीजें हो जानी चाहिए तो आप प्लानिंग कर सकते हो वरना नहीं कर सकते वही वही सिस्टम वो दिमाग का सिस्टम मैं आपके लिए यहां पर तैयार कर रहा हूं मेरे बच्चा उसी के लिए आपको मैं रेडी कर रहा हूं क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट क्लास है आज की आपके लिए जो आगे तक आपका साथ देने वाली है तो पांच गेट तक तय हो जाएगा आप किसी भी चीज पर कभी मुझसे क्वेश्चन पूछते हो हैं सर जी इस पर जीएसटी आएगा नहीं आएगा इस बात का जवाब देने के लिए पांच गेट को टेस्ट करना पड़ता है तब जाके बोल पाओगे लगेगा या नहीं लगेगा चलो भैया नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर जीएसटी लग गया है क्या रे अगर जीएसटी लग गया है लग गए लग गए लग, लग, लग गया है तो भैया अब तो ये बताओ कि कितना कितना लगा रे कितना लगा जैसे बिल्ली के घले में गले में घंटी बंधनी है या नहीं बंधनी वो यहां तक तय हो जाएगा आवाज आई हां घंटी बंधनी है तो ये बताइए अभी घंटी बंधेगी घंटा बंधेगा वो बता दीजिए उसका साइज क्या होगा एक छोटी घंटी होती है एक बड़ा सा घंटा होता है साइज क्या होगा अमाउंट कितना होगा वो बताइए कितना मतलब उसका अमाउंट क्या रहेगा वो आपको यहां पर बताना होता है ये अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद घंटी या घंटा देखने के बाद अब देखा जाएगा कौन कितने के बाद अगला नंबर आएगा कौन की जीएसटी का पेमेंट सरकार को कौन करेगा नॉर्मली बताइए कौन करता है सरकार को पेमेंट कौन करता है सप्लायर करता है या रेसिपियंट करता है इन माई केस आई एम द सप्लायर यू ऑल आर द रेसिपियंट तो मैंने आपसे लिया और वहां दे दिया तो नॉर्मली ये रूट चलता है सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है लेकिन अगर मान लीजिए कल को ऐसा हुआ कि सरकार को मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया कि आदमी वहां से लेता तो है सरकारी एजेंट बनकर लेकिन हमें देता नहीं है ऐसे वाले मामले में सरकार पता है क्या बोलती है कि भाई तुम जीएसटी इसको मत देना जीएसटी वाला पैसा डायरेक्ट हमें दे जाना डायरेक्ट हमें दे जाना अल्टीमेटली पैसा तो उसी की जेब से निकला रेसिपिएंट की जेब से लेकिन उसका फ्लो यहां से यहां ना जाकर वो सीधा गवर्नमेंट के पास में चला जाता है इस पोजीशन को बोल देते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या रे रिवर्स चार्ज क्या बोलो रिवर्स चार्ज, चार्ज, चार्ज मैकेनिज्म शॉर्ट में बोल देते हैं आरसीएम एन सी एम का मतलब ए एक वर्ड एनसीएम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म और एक आ गया आपका रिवर्स चार्ज ये आ गया जी अपना तो जो इसे एनसीएम बोल देते हैं शॉर्ट में इसे आरसीएम गाड़ी में गियर नहीं होते एक फॉरवर्ड गियर होता है एक रिवर्स गियर होता है तो एनसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज भी बोल सकते हैं इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जो नॉर्मल मैके गाड़ी ऐसे लेकिन कभी कभी रिवर्स गियर भी लगाना पड़ता है उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है जब सीधा पे करके आता है तो ऐसा तभी होता है जब सप्लायर के ऊपर सरकार को कंट्रोल नहीं होता है या सप्लायर के ऊपर सरकार को भरोसा नहीं होता है जैसे कि सरकार वकीलों से बहुत ज्यादा डरती है एडवोकेट से बहुत बहुत डरती है क्योंकि ये बात बात पे केस ठोक देते हैं हमारे ऊपर केस वेस लग जाता है हमें बड़ा डर लगता है यार क्या केस लग गया ये लग गया, वो लग गया गया वो लेकिन एडवोकेट से पूछ के देखो उनका तो काम धंधा ही है भाई साहब आपने कभी देखा होगा कोई आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसी मैकेनिक के पास लेके गए होगे वो खोलता है उसमें जो वायर वायर होती है उसे कितनी बेदर्दी से हटा देता है उसमें से ना हमें लगता है कमाल है यार ये तो कितना शानदार कितना मतलब पहुंचा हुआ व्यक्ति है हम जिस एक वायर को हटाने में डर रहे थे कि हटाने के बाद क्या लगाऊं कैसे लगाऊं ये तो फटाफट फटाफट ऐसे उखाड़ के फेंक रहा वायरस को और फिर वही लगा देता ठीक जगह पे और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम था वो चल जाता है तो दूसरे का काम इतना कठिन दिखाई देता है लेकिन वो तो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है ना तो वकीलों से सरकार को डर लगता है क्योंकि सरकारों पर वकीलों ने ही केस ठोक रखे हैं इसलिए वो कहती है कि वकील साहब तुम रहने देना तुम्हारा जो क्लाइंट है ना हम उससे डायरेक्ट टैक्स भरवा लेंगे ऐसे कर केसेस के अंदर रिवर्स चार्ज लगता है दूसरा मान लीजिए मैं इंडिया के बाहर से सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं सप्लायर इंडिया के बाहर बैठा है कहां बैठा है रे सप्लायर इंडिया के बाहर बैठा हुआ है मैं यहां इंडिया में रेसिपियंट हूं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के मुताबिक बताइए जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए भाई सर्विस अगर इंडिया में कंज्यूम हो रही है तो अवेश जीएसटी लगना तो चाहिए ही चाहिए सर्विस ली है सप्लाई भी है लगना भी चाहिए जीएसटी लेकिन भरेगा कौन सप्लायर तो बैठा है सात समंदर पार सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई गाना सुनने में अच्छा लगता है लेकिन सरकार उसके पीछे नहीं जा सकती गवर्नमेंट का उस सात समंदर पार बैठे व्यक्ति पर कोई कंट्रोल नहीं होता अगर होता तो माल्या को पकड़ के यहां ले आते नीरव मोदी को पकड़ के यहां ले आते नहीं ला सकते अपनी टेरिटरी होती ना अपना एरिया होता है कानून के हाथ लंबे हैं पर इतने भी लंबे नहीं कि वहां तक पहुंच जाए विदेश तक पहुंच जाए इसलिए तो जब उससे नहीं ले सकते लेना तो है पर उससे नहीं ले सकते तो फिर ऑप्शन बचता क्या है बताइए ना रेसिपिएंट रेसिपिएंट को बोलते हैं तू ही तू तू ही तू सतरंगीर तू ही भरेगा टैक्स तो जो टैक्स का पैसा तो नॉर्मली सप्लायर को देता जैसे मान लीजिए अगर सौ प्लस अठारह की बात होती है तो सौ रुपए सप्लायर को देना और अठारह रुपए डायरेक्ट हमें भर देना हम एक्स्ट्रा लोड नहीं डाल रहे वही पैसा जो तू तो एक उसे देता अब उसमें से काम करना सौ उसे देना अठारह हमें डायरेक्ट दे जाना उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म राइट यस सर ऐसे करके यहां पर हम बात करके चल रहे हैं मालिक यहां पर सिचुएशन बन जाती है मुझे बताइए यहां तक सब ठीक ठाक है ओके है अभी वापस सारी बातें घूमकर आ रही हैं आपके लिए हां सर जी ठीक है एंड फिर यहां पर आएगा आपका ये बॉक्स नंबर आठ करके आएगा अर्पित ना ओके हां जी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा अपना यस रिवर्स चार्ज सिंपल की जब सप्लायर पे कंट्रोल ना हो भरोसा ना हो तो गवर्नमेंट देते हैं, हैं टोटल फीस तो सात हजार में जीएसटी माइनस सात हजार रुपए के आसपास का है जीएसटी मान लेते रफली हजार रुपए मान लेते हैं तो सरकार क्या बोलेगी अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा तो कि सात हजार में से छह हजार तो इनको देना हजारों में दे देना डायरेक्टली मैं डेमो दिखाऊंगा डोंट वरी डेमो दिखाऊंगा अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रह गया तो कोई बात नहीं ठीक है सर जी हुँ। हुँ। सर बॉक्स सिक्स बता दिए बच्चा कहा चिंता कर रहा है आएगा हाँ लौट के आएंगे यहां पे हम जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा अमाउंट कितना बनता है यहां पर आकर कैलकुलेशन होगी लौट के आ रहे हैं सारे के सारे वहां पे हम अब उसके बाद फिर निकल के आएगा आपका अगला बॉक्स निकल के आएगा कि जीएसटी यहां पर आकर आपका ये कब भरा जाएगा जीएसटी आपका कब भरा जाएगा तो पांच गेट पर ये तय हो जाता है पांच गेट तक ये तय हो जाता है जीएसटी भरना है या नहीं भरना अगले बॉक्स पर कैलकुलेशन होगी सिखाई जाएगी आपको कैलकुलेशन अभी चिंता क्यों करते हो मुझे दो तीन लेक्चर ही रहना है ना आपके इसी चार्ट के अंदर यहां पर कैलकुलेशन की जाएगी कि भाई कितना भरना है सीखेंगे कैलकुलेट करना न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखेंगे यहां पर आकर हम जब अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा फिर नंबर आएगा अमाउंट तो कैलकुलेट हो गया अब इसे भरेगा कौन सरकार तक कौन पहुंचाएगा नॉर्मली सप्लायर पहुंचाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में रिवर्स चार्ज में रेसिपियंट को देकर आना होगा जब यह तय हो जाएगा कौन देकर आएगा फिर अगला नंबर आता है कब देकर आएगा कब देकर आएगा कब के लिए क्या करना होता है दरअसल कि हम जानते हैं भाई इंडिया में बहुत सारे डे आते हैं जैसे कि कौन कौन से डे आते हैं फादर्स डे आता है एक और कौन सा डे आता है बोलो फादर्स डे आ गया और मदर्स डे आ गया और फादर्स डे मदर्स डे एंटी टोबैको डे चिल्ड्रंस डे और वो वैलेंटाइंस डे वो तो पूरा फेस्टिवल सीजन चलता है सात दिनों का वैलेंटाइंस डे हो गया है ना और और कौन से डे रहे फ्रेंडशिप डे और डे डे अच्छा, हाँ, कौन सा होता रहे अच्छा डे ओए भाई साहब क्या बात ऐसे बहुत सारे डे होते हैं हमारे यहां पे ना चिल्ड्रंस डे हां कृतिका यू आर जीनियस ऐसे बहुत सारे डे होते हैं हमारे यहां पर आकर ऐसा ही एक डे होता है सप्लाई डे कौन सा डे सप्लाई डे कौन से दिन मानू सप्लाई डे देखिए कहना बड़ा आसान होता है कि यार सप्लाई हो गई है लेकिन मेरे भूरा सप्लाई के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं अगर मैं यहां से आपको एक कुर्सी बेच रहा हूं तो पहले आपके मेरे बीच में शायद एक एग्रीमेंट होगा परचेज ऑर्डर बनेगा परफॉर्मा इन्वॉइस बनेगा प्रॉपर इनवाइस बनेगा फिर पेमेंट होगा है ना फिर डिस्पैच होगा फिर आपको मिलेगा ऐसे करके अलग अलग डेट्स हो सकती हैं पॉसिबल है या नहीं है हाँ या ना बिल्कुल पॉसिबल है जनवरी के महीने में एग्रीमेंट हुआ फरवरी के महीने में पेमेंट हुआ मार्च के महीने में बिलिंग हुई अगले महीने में डिस्पैच हुआ उसके अगले महीने आपको मिला चार पांच महीने इन्वॉल्व हो गए तो मुझे बताइए सप्लाई डे कौन सा रहा सप्लाई डे कौन सा कौन से डे पर मानू की सप्लाई हो गई एग्रीमेंट जिस दिन हुआ उस दिन मान लो जिस दिन पेमेंट हुआ उस दिन मान लू जिस दिन इनवॉइसिंग हुई उस दिन मान लू कौन से दिन मानू रे क्योंकि जिस दिन सप्लाई डे आ जाएगा जिस महीने में सप्लाई डे आ जाएगा उसके अगले महीने की बीस तारीख को हमें जीएसटी का पेमेंट करना होता है क्या रे सप्लाई डे के अगले महीने की बीस तारीख को जैसे सप्लाई डे आज आ जाता है तो अगले महीने की बीस तारीख बोले तो ट्वेंटी सितंबर को हमें जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ जाएगा तो हमें यही सिखाया जाएगा यहां पर आकर कि भाई सप्लाई डे जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कब इनवॉइस की डेट को सप्लाई डे माना जाता है कब पेमेंट की डेट को सप्लाई डे माना जाता है, वही सब यहां पर सीखेंगे हम लोग और उसके बाद अंत में आकर मिसलिन पार्ट में आकर यहां कंप्लायंसेस आपके आ जाते हैं कंप्लाइंस में आता है आई एम आर 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 क्या रे आई एम आर 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 आई आ जाता है आई का मतलब है इनवॉइस इनवॉइस कौन काटेगा कब काटेगा कैसे इश्यू करेगा उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी एम का मतलब है मैनर ऑफ पेमेंट सरकार को पेमेंट कैसे किया जाएगा जैसे कि अगले महीने की 20 तारीख को पेमेंट किया जाता है वो कैसे किया जाएगा आरआरआर का मतलब रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा कब करवाएगा कैसे करवाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद में ये आता है रिटर्न रिटर्न फाइलिंग कौन फाइल करेगा कब फाइल करेगा कैसे फाइल करेगा आगे फिर एक और आर आता है रिकॉर्ड्स कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं जो रिकॉर्ड्स होते हैं कब मेंटेन जाएंगे कैसे मेंटेन जाएंगे वो सारी रूपरेखा यहां सिखाई जाती है और अगला आर आता है आपका रिफंड लेकिन जो रिफंड वाला है ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है रिफंड का चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है एक आर मिसिंग है आपके सिलेबस से और आई का मतलब है आपका यह आई इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन बुक करता है कब बुक करता है कैसे बुक करता है ये सब होने के बाद में बस इतना ही है आपका जीएसटी का सिलेबस ये यहां पर आकर सिलेबस आपका कंप्लीट होता है जय जय श्री राधे ओके टाटा बाय बाय सिलेबस कंप्लीट हुआ इससे बाहर कुछ नहीं है सिलेबस आसान है कठिन है हाँ भाई तो गया गया। अभी कितना ये आप यहां बताओ अभी तक क्या है आसान लग रहा है ना यस आसान ही है इस फ्रेम से बाहर नहीं जाने वाले हम हाँ। बताइए जी सर uh, मैंने आपके में मैं क्लास ली थी नवंबर तेईस के लिए बहुत अच्छी बात है बहुत है। <laughs> <laughs> हाँ म्याऊं म्यउ भाव बहु ओ ले, ले ले मेरे बच्चा ऐसे ऐसे किस किन नामों से रखते हैं ये बच्चे का नाम है म्यूम म्योम ओए भे बस इतना सा हाँ इतना ही है ये चलो जी इस जीएसटी चार्ज्ड ऑन ट्रांसफर फी टू प्रोवाइड डेथ सर्टिफिकेट मतलब एक कोई क्वेश्चन है कोई वैसे नहीं दिया जाता है डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, जब बनाया जाता है तो पांचवें गेट से एग्जाम कर रखा है डेथ सर्टिफिकेट को ठीक है जी वैसे बता दूं आपकी जानकारी के लिए सर बैकअप लेक्चर का बता दो बैकअप लेक्चर गूगल ड्राइव पे आएंगे और गूगल ड्राइव जो है आपका वो लिंक अपडेट हो गया है भाई आप चेक कर लेना उसमें आपके आ रहे हैं बैकअप लेक्चर गुड मॉर्निंग सर मैंने आपसे क्लास लिया था मेरे 88 मार्क्स आया था वेरी गुड बहुत बढ़िया बात है चलिए जी सर गेट टू रिपीट कर दीजिए बस गेट टू मैं तो सारे रिपीट करने के मूड में था मैंने तो पूरा फ्लो बताया है अब सारे रिपीट मुझे तो करने मुझे करना ही क्या अब आगे एक एक पकड़ेंगे अब गुड्स क्या है सर्विस क्या है तो बस पेशेंस रखना मुझे आपसे पेशेंस चाहिए बस तुम्हारे नस नस को मैं जानता हूं तो अब यहां पर आकर हम ये कह रहे हैं कि भाई हम्म हूँ अब जरा पूरे इसके नाम गिनवा दो मुझे नंबर वन पे क्या आता है पांच गेट के नाम गिनवाइए नंबर वन बिना देखे गुड्स या सर्विस बोलना है, सारे सारे इधर ए कमर सिद्धि चिंटू इधर अर्पित राहुल साक्षी इधर इधर हाँ हाँ तुमसे बात कर रहा हूं इधर हाँ 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 अब ठीक है तो सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज उसके बाद सप्लाई।, सप्लाई सप्लाई के बाद इंट्रा या इंटर सप्लाई के बाद इंटर आया इंटर उसके बाद टैक्सेबल पर्सन उसके बाद एग्जेपन गुड सर्विस सप्लाई इंटर इंटर टैक्सेबल पर्सन एग्जेपन यहां तक कट मारो एक फेज खत्म हुआ लगना है कि नहीं लगना उसके बाद अब बॉक्स कितना लगेगा यानी कॉम्पिटेशन कॉम्पिटेशन अमाउंट निकल आया अमाउंट निकलने के बाद बिल्ली गलने में घंटी कौन बांधेगा अब कौन बांधेगा एनसीएम या आरसीएम सप्लायर भरेगा रेसिपेंट भरेगा उसके बाद uh, कब भरेगा टाइम ऑफ सप्लाई कितना भरेगा कौन भरेगा कब भरेगा कितना भरेगा कौन भरेगा कब भरेगा यही तो पढ़ रहे हैं हम कब भरेगा यानी कि सप्लाई डे अंग्रेजी बोलते थे टाइम ऑफ सप्लाई बोलते थे क्या बोलते थे टाइम ऑफ सप्लाई सप्लाई डे को टाइम ऑफ सप्लाई बोल देते हैं एंड उसके बाद कंप्लाइंस आई एम आर 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 आई आई का मतलब इनवॉइस एम का मतलब मैनर ऑफ पेमेंट आर का मतलब रजिस्ट्रेशन रिटर्न रिकॉर्ड्स और वो रिफंड रिफंड सिलेबस में नहीं है एंड आपका आईटीसी दिस इज योर सिलेबस अब मैं क्या करता हूं अब मैं वापस गेट नंबर एक से आपको लिए चलता हूं अगले दो लेक्चर आपके इसी डायग्राम पर हम रुकने वाले हैं एक एक चीज को बारीकी से निपटाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे अच्छा रहेगा ना मालिक है ना पहले सोचो जरा एक अच्छी सी सोच अच्छी सी समझ आपकी यही डायग्राम में बना दूंगा लेकिन एक रिक्वेस्ट है पूछो क्या पूछू बताऊं रिक्वेस्ट मेरी यह है कि यहां पर मैं आपको दे रहा हूं ये एक क्या रे? हम यहां पर बात कर रहे हैं एक दो लेक्चर दूंगा हेलीकॉप्टर व्यू के लेकर पूरी दिमाग को सेट करने के लिए उसके बाद खूब उड़ेंगे फिर हवा में <clears throat> तो सबसे पहले हमारा आ रहा है तो हेलीकॉप्टर व्यू साहब क्या चल रहा है व्यू चल रहा है यह मत करना कि और ये क्या। अब मेरी किताब जो बनी हुई है दो दिखाना इन किताबों के चैप्टर के नाम गिनवाता हूं मैं यहां पेन दे एक आपको यहां पर इन चैप्टर्स के नाम बोलने हैं पहले चैप्टर का नाम क्या है नाम क्या है पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन नाम है वेरी गुड ये हम पढ़ चुके हैं अगला चैप्टर किसका है डेफिनेशन पूरे लॉ में जितने भी डेफिनेशन है वो कर रखी। मैंने सभी शब्दों का मीनिंग पहले पता लग जाए ये चैप्टर किसका गुड्स एंड सर्विसेज पहला गेट अगला चैप्टर किसका है supply. Supply का. उसके बाद अगला चैप्टर क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब वही इंट्रा या इंटर अगला चैप्टर किसका है उसके अगला चैप्टर कौन सा है अगला मॉड्यूल दीजिए लेके आयो हाँ लेके आए बच्चा अगला मॉड्यूल खोलिए अगले मॉड्यूल के अंदर आ जाइए एग्जामिशन के बाद अगला चैप्टर कौन सा आएगा कंप्यूटेशन एक चैप्टर क्या नाम है कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन के बाद क्या आएगा रिवर्स चार्ज अगला चैप्टर बोलो रिवर्स चार्ज उसके बाद अगला चैप्टर बोलो रिवर्स चार्ज के बाद में बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई आएगा ना ये रहा क्या चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई का उसके बाद में क्या था आई एम आर 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 आई का मतलब ये क्या चैप्टर का मतलब मैनर ऑफ चैप्टर आ गया मैनर ऑफ पेमेंट आई एम आर 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 का मतलब कहां रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कहां है ये रहा आपका ठीक है है हो हो गया record हो गया और क्या रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न सीक्वेंस में सारे चैप्टर रिटर्न के बाद में आईटीसी ये रहा आपका आईटीसी का चैप्टर एक छोटा सा का आपके दोनों मॉड्यूल खत्म मैं क्या बता रहा हूं आपको कि मेरे दोनों मॉड्यूल में बस यही डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है हर एक पॉइंट पर एक चैप्टर है तो पहले हर चैप्टर की एक समरी आपको दी जाएगी उसके बाद फिर हर चैप्टर को किताब से डिटेल में हमें डिस्कस करके चलना है कि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चा हो जाता है बीच में ही ठीक है क्लियर है यस सर आईटीसी क्या होता है बच्चा अच्छा एक और विनती है हमारी कि जिन बच्चों ने बीच में से ज्वाइन किया है ना जैसे आज मान लो पहली क्लास ज्वाइन भी भी तो <laughs> है, है? अब बीच में से तो बात नहीं बनेगी, राइट चलो सर क्लियर है ना, में क्या करने जा रहे हैं हम दो लेक्चर हम यही रुकने वाले हैं हमारा डेरा यहीं पर रखेगा इस डायग्राम के ऊपर सबसे पहले बात आती है बताइए गुड्स किसे कहते हैं बचपन में आज तक आपने सीखा है कि जो भी मूवेबल चीजें होती हैं उन्हें गुड्स कहा जाता है और हां एक काम और करना अगली दो तीन क्लास में आपको बुक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है डायग्राम पर रुकने वाले हैं रजिस्टर में नोटिंग जरूर करनी है आपने क्या करनी है नोटिंग जरूर करनी है अब तक जो पीछे चार क्लास हो चुकी हैं इनकी नोटिंग आज ही आपको मिलेगी आपकी गूगल ड्राइव के लिंक पर पिछली चार क्लास जो भी छोटी मोटी नोटिंग हुई है वो सब मिलेगी आपको एक से लेकर चार तक की और हर क्लास के बाद आपको नोटिंग मिल जाया करेगी अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसकी भी नोटिंग आपको ड्राइव के लिंक पर ही मिलेगी जो मेल आपको आया हुआ है राइट तो चलिए गुड्स की बात करते हैं सबसे पहले आके यहां पर हम लोग और इसकी चर्चा यहां से करते हैं तो अपने रजिस्टर में नोट करेंगे प्लीज प्लीज ओपन अप योर रजिस्टर ओपन अप सर जी नवंबर के लिए कोई रिवीजन लेक्चर है आएंगे सर क्लास यूट्यूब पर कितने दिन चलेगा तुम बताओ कब तक चलवा दें है? है? बोलो हिमांशु गुप्ता इस ढाबे पे रुकेगा ट्रक सही कह रहे हो बिल्कुल यही तो चाहिए ढाबे पे ट्रक रुक गया ज्यादा समय में रुकता ना खाना खाएगा और निकल लेगा फिर जर्नी में आगे बढ़ जाएगा तो ये है आपका यहां से शुरुआत होने जा रही है सभी लिखेंगे श्री गणेश में राधे राधे जो भी आपको लिखना है और बाबा की बूटी का डिस्कशन शुरू होने के लिए जा रहा है सभी भक्त अपनी सीट बेल्ट लगा लें और यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले आपका गेट नंबर वन करके रेडी यस सर प्योर क्लास पूरा बैच ही चलवा दो ओले ले मिला बूढ़ा मेरा बच्चा मेरा कबूतर सर आईटीसी वाला टॉपिक समझ में आया है अरे तो वही तो कर रहा हूं यार मैं आईटीसी वाला सर सागर में परचेज किया है सप्लायर ने जीएसटीआर आर वन नहीं अरे यहां पर यहां दो तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो गेट नंबर वन पर हम आ गए हैं जिसमें चर्चा करनी है हमें गुड्स क्या है क्या नहीं है तो जहां तक मेरी समझ है आपने अब तक कहीं भी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाइनटीन थर्टी वन ना ऐसी कुछ करके था ना 80, कौन सा एटी टू अच्छा और फिर वो कौन सा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट था कौन सा था वो नाइनटीन थर्टी टू उनमें एक चीज कॉमन थी गुड्स क्या है जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, है ना तो उसमें होता है गुड्स का, मतलब का मतलब होता है मतलब आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी वाह 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 मूवेबल प्रॉपर्टी को बोलते हैं गुड्स वेरी गुड अच्छा मूवेबल का मतलब क्या होता है है जी मूवेबल का मतलब विच कैन बी क्या रे? तो टाइपिंग मिस्टेक सागर नहीं गोगा अगर शायद होगा या बी मूवड विच कैन बी मूवड इतना काफी है कुछ और होगा विच कैन बी मूव्ड जो मूव कराया जा सकता हो विच कैन बी मूवड विच कैन बी मूवड जैसे कि ये ये टेबल मूवेबल है कि नहीं है हा हा सर मूवेबल है इट कैन बी मूवड ये बिल्डिंग चढ़ियावड़ बिल्डिंग उड़ नहीं उड़ेगी प्लॉट uh, उड़ नहीं उड़ेगा टेबल उड़ उड़ चेयर uh, उड़ उड़ कैमरा उड़ उड़ पेड़ उड़ पेड़ uh, पता नहीं चलो विच कैन बी मूव जो मूव कराया जा सकता हो अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इमेज मैंने लगा रखी है अपनी तरफ से समझाने के लिए ठीक है ये तो नोटिंग वाला पार्ट है ये भी मैं आपको हालांकि दे दूंगा एक बच्चा बोला सर ये ये क्या सर ये 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 वो है एस्केलेटर जो मॉल में लगे हुए होते हैं सर ये मूवेबल कि इमूवेबल बताइए इमूवेबल पर वो बच्चा कह रहा था ये मेरे बच्चे ने पूछा था 2013 में सीए फाइनल की क्लास चल रही थी फेस टू फेस बच्चा आगे बैठा था पूछता मुझे आज भी उस बच्चे का चेहरा याद है करा मूव तो करता है इवन करवाता भी है मूव तो कर रहा है मैं दस सेकंड के लिए निशब्द हो गया दस एक साल पुरानी बात है मतलब मैं, मैं बात तो ठीक कह रहा है ठीक कह रहा है लेकिन जैसे ही दस सेकंड का मैंने समय लिया चारों तरफ सन्नाटा था पूरी क्लास सन्नाटे में थी कि बात तो ठीक कह रहा है फिर मैंने कहा रुक बुड़वक सिर्फ इतना ही नहीं है विच कैन बी मूवड आगे कुछ और भी आएगा इसमें From one place to another, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मैंने माना मैंने माना कि एक्सकलेटर घूम रहा है लेकिन वो अपनी ही जगह पर घूम रहा है अपने प्लेस को छोड़कर नहीं जा रहा कि आज इस मॉल में है तो सुबह को किसी दूसरी बिल्डिंग में मिल रहेगा, ऐसा नहीं है उसका वो अपने धुरी पर घूम रहा है ठीक है यह होना चाहिए इससे बोलते मूवेबल तो चूंकि वो अब दोनों बातों को पढ़ने के बाद पता लगेगा कि एस्केलेटर आपका मूवेबल बिल्कुल भी नहीं है अच्छा जी उसके बाद हमें बताइएगा सॉरी यह बताएं इसका बताइए यह क्या है देखा किसी इमेज ढूंढ ढूंढ के लाता हूं मैं आप इसका साइज मीजर कर पा रहे हैं कुछ आंखों में बस रहा है आपका साइज का ये आसपास से छोटे मोटे ना लोग भी शायद दिख रहे होंगे छोटी मोटी मशीनरी वगैरह खड़ी हुई है पोल खड़े हुए हैं ये इतना बड़ा है दरअसल शायद बहुत बड़ा है ये और ये और स्टील का स्टोरेज टैंक का है स्टील का बना हुआ इंडियन ऑयल का जो क्लाइंट की साइट पर आकर स्टेज बाय स्टेज कंस्ट्रक्ट किया गया है ट्रक में स्टील की प्लेट्स आई होंगी और यहां पर आकर इसको तैयार किया गया है फाइनली इट इज मूवेबल या इमूवेबल या आपके अंतरात्मा क्या कह रही है इमूवेबल इम्मुगी। है लेकिन मैं मूव तो करा सकता हूं मुझे नट बोल्ट खोलने हैं इसके चार पांच नट बोल्ट खोलते ही इसके हाथ पैर बिखर जाएंगे नट बोल्ट खोलते ही इस स्टोरेज टैंक के हाथ पैर बिखर जाएंगे बिखर जाएगा फिर वापस प्लेट्स को भर के ट्रक में किसी दूसरी जगह पर मूव करा दूंगा और वहां जाके कंस्ट्रक्ट कर दूंगा तो हुआ कि नहीं हुआ मूव बताइए हुआ कि नहीं हुआ मूव लेकिन होगा वही जो चाहते आप हैं आपने बोला है इमूवेबल तो रहेगा ये इमूवेबल ही तो परिभाषा में कुछ और जोड़ने की जरूरत है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वो भी है विदाउट विदाउट एनी डिसमेंटलिंग विदाउट एनी डिसमेंटलिंग हिंदी में बात करें दैट इज बिना बिना अंग भंग किए बिना अंग भंग किए जो एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूव कराया जा सकता हो बिना अंग भंग किए बिना उसके पार्ट्स को अलग किए हुए उसे बोलते हैं हम लोग मूवेबल तीनों की तीनों, तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई यहां पर होनी चाहिए तो जो आपका वो बड़ा सा टैंक दिख रहा था वो मूव तो कर सकता है ठीक है लेकिन उसके लिए हमें उसकी डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी तो भैया फिर वो आपका मूवेबल नहीं रह जाता वो आपका इमूवेबल काउंट किया जाता है गदर टू देखा है आपने देखा भी आपने नहीं देखा मैं चलू दिखाने के लिए मूवी आपको चलोगे पक्का तो देखो यहां पर आकर ना ये बैठेंगे रिक्लाइन वाली सीट पर बैठेंगे बढ़िया वाली सीट्स पर बैठेंगे तो आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो मूवी दिखा के लाऊंगा मैं आपको ये सिनेमा हॉल की जो सीट्स हैं मूवेबल हैं कि इमूवेबल हैं। आ रहा हूं हिमांशु मूवेबल या इमूवेबल तीन बातें समझ में आई विच कैन बी मूव्ड वेदर इट कैन बी मूव्ड शायद हां वन प्लेस टू अनदर प्लेस शायद हां लेकिन सुनिए बिना अंग भंग किए क्या इसको मूव कराने के लिए कुर्सी को डिसमेंटल करना जरूरी है अब अंग भंग करना किसे कहते हैं ये जरूरी बात है अंग भंग क्या अंग भंग का मतलब होता है उसके पार्ट्स को अलग अलग कर देना अंग्रेजी में बोले तो ब्रेकअप ऑफ एन आर्टिकल आ मतलब आर्टिकल वो वाला नहीं ट्रेनिंग वाला नहीं नहीं। ब्रेकअप वो वाला ब्रेकअप नहीं ब्रेकअप मतलब टूटना ब्रेकअप ऑफ एन आर्टिकल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉम्पोनेंट्स अपने जिन पार्ट से जिन अंगों से मिलकर बना हुआ है उनमें टूट जाना अगर किसी व्यक्ति का हाथ अलग कर दिया जाए तो ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ हो गया मैंने चश्मा निकाल दिया यहां से क्या यह डिसमेंटलिंग हुई मेरी ब्रेकअप नहीं मेरा हिस्सा था ही नहीं यह मेरा अंग था ही नहीं और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं मुझे दिखता है मुझे चश्मे से ज्यादा बेटर दिखता है यहां पर मैं आपकी जो इतनी पतली सी चैटारी में आराम से पढ़ सकता हूं इसको सर प्लीज शेयर द पीडीएफ ऑफ आई टी सी ब्लॉग्ड क्रेड मेड बाय यू इन मैनेज हां कर देंगे जी ये क्यों लगाया क्योंकि जब मैं पढ़ाने गया था शुरुआती दौर में तो 600 बच्चों की फेस टू फेस क्लास और मेरी उम्र में बच्चों की उम्र में यही पता लग रहा भाई साहब टीचर कौन सा इनमें बिलीव मी अगर मैं सीट पर जाकर बैठ दिया तो पता ही चलता था सीट टीचर कौन सा टाई वाई लगाता था चेस्व में पहनता था थोड़ा सा तो बच्चों को लगता शायद ये होगा तो वहां से चश्मे का ट्रेंड है पॉइंट टू फाइव इसका नंबर है अगर मैं शूज निकाल देता हूं लो जी मैंने शूज निकाल दिए शूज निकाल दिए क्या डिसमेंटलिंग हो गई क्या शूज मेरे पार्ट थे नहीं थे अगर किसी व्यक्ति का टांग ही चली जाए तो तो ब्रेकअप हुआ यस आप समझिए तो आपको पहले यह जानना पड़ेगा कि किसी आर्टिकल का अंग क्या होता है उसका पार्ट्स क्या है इस कुर्सी का जो आर्म रेस्ट है क्या इसका पार्ट है यस इसका जो बैक रेस्ट है क्या पार्ट है हाँ। इसकी जो सीट है क्या वो पार्ट है यस लेकिन ये चूंकि अर्थ के साथ जमीन में फिक्स करी हुई है तो नीचे सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वहाँ पर स्टील की प्लेट लगाई गई होगी और नट बोल्ट से इसको कस दिया गया होगा अगर नट बोल्ट को वहां से खोल दिया जाए और कुर्सी को निकाल लिया जाए तो क्या कुर्सी का कोई भी अंग भंग हुआ यस और नो आवाज नहीं आ रही मुझे आवाज नहीं आ रही क्या वो वो प्लेट वो सीमेंट का स्ट्रक्चर एज इट इज यू निकाल लिया उस स्ट्रक्चर से और ले गया उसका कोई भी अंग भंग नहीं हुआ हां कुर्सी अगर ऐसी होती कि बैक रेस्ट अलग करना पड़ता सीट अलग करनी पड़ती वैसे सब करना पड़ता तो मैं मानता कि अंग भंग हो गया है यहां पर तीनों की तीनों बातें पूरी हो रही हैं बिना अंग भंग किए हम इसे मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर इसलिए यह कुर्सी को बोला जाएगा मूवेबल हमारे जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में बेंच भी ऐसी हुआ करती थी फिक्स थी जमीन के साथ में स्टेज बाय स्टेज ऐसी बेंच पड़ी हुई थी और वो फिक्स हुआ करती थी वो भी आपकी मूवेबल ही थी ये ऐसी यहां लगा हुआ है छत में लगा हुआ फास्टनर लगा के फिक्स कर रखा है इसको अलवा मुझे यहां से मूव कराना होगा तो मैं इसके फास्टनर्स को निकालूंगा रॉड में इस पर टंगा हुआ है ये यहां से निकालूंगा ले जाऊंगा तो क्या यहां से इसको निकालने में क्या मैंने एसी का ब्रेकअप किया एसी का अंग भंग no. इमूवेबल स्ट्रक्चर से आहा हा, हा, किसी इमूवेबल स्ट्रक्चर से एक्सट्रैक्ट करने को अंग भंग नहीं कहा जाता है इसलिए फाइनली ये आपका यहां पर मूवेबल कैटेगरी में आ जाता है मालिक ठीक है जी ये बताइए जरा ये साइन बोर्ड है ये साइन बोर्ड है इंडियन ऑयल का साइन बोर्ड है साइन एज बोल देते हैं इनको व्हाट से इट इज मूवेबल या इमूवेबल वैसे ये लगा कैसे है सर नीचे एक सीमेंट कंक्रीट का लाइक फाउंडेशन तैयार किया गया होगा उसमें ये पोल एक प्लेट रखी गई होगी चौकोर स्टील की नट बोल्ट निकले होंगे और उस पर इस स्ट्रक्चर को इस पोल को कस दिया गया होगा मुझे बताइए ये मूवेबल है कि इमूवेबल है अगर मैं उस प्लेट से अलग करता हूं जमीन से अलग करता हूं तो क्या इसका अंग भंग हुआ कोई जी नहीं और जितना ये बड़ा दिख रहा है क्या ये एज सच बिना पार्ट्स में डिवाइड किए हुए मूव कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता द आंसर इज यस कराया जा सकता है इसलिए इसको भी स्टेटस मिलेगा आपके मूवेबल का लेकिन जिस टैंक की मैं बात कर रहा था आपसे इस टैंक की मैं बात कर रहा था चेक करके बताइए क्या इसको मूव कराने के लिए इसका अंग भंग जरूरी है कि नहीं है इसकी प्लेट्स प्लेट्स अलग करनी पड़ जाएगी हमें उससे हम बोलेंगे अंग भंग करना पड़ जाएगा इसलिए आपका ये इमूवेबल कैटेगरी का हिस्सा बना दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक सेंट्रलाइज्ड एसी बताइए सेंट्रलाइज जिसकी डक्टिंग वक्टिंग रखी होती है प्रॉपर तरीके से मूवेबल या इमूवेबल इमूवेबल क्योंकि तो उसके जो पार्ट्स हैं जो उसके कॉम्पोनेट हैं उसको अलग करने पड़ जाते हैं सारी डक्टिंग खोलनी पड़ेगी तब कहीं जाकर उसे मूव कराया जा सकता है ये आपका इमूवेबल यहां पर बना दिया जाता है तो एक काम करते हैं सबके साथ लिख देते हैं जो जैसा है ये ये क्या था जी आपका इमूवेबल था अपना जी ठीक है ये सेंट्रलाइज एसी जो है ये भी आपका इमूवेबल है ये जो था आपका टैंक ये भी रहा इमूवेबल ठीक है ये जो साइनेज था आपका साइनेज रहा यहां पर आकर मूवेबल जो जो तय कर लिया उसको लिख देते हैं ये जो कुर्सियां आप देख रहे हैं ये कुर्सियां भी रही आपके यहां पर आकर मूवेबल राइट सर यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब ये बताइए जरा एक और रह गया अपना ये जो पोल लगे हुए हैं इनका क्या सीन है बिजली के खंबे लगे हुए हैं मूवेबल या इमूबल खंबों की बात कर रहा हूं वायर की बात नहीं कर रहा वही सेम जो साइनेज था ये भी जमीन के अंदर एक सीमेंट कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर है वहां से खोलेंगे खंभे अलग हो जाएंगे बात खत्म तो ये तो हो गए आपके मूवेबल लेकिन आपने वो देखा है जहां पर हाई वोल्टेज की तार जा रही होती हैं बहत्तर तो बड़े बड़े नहीं होते वो टावर टाइप होते हैं इतने ऊंचे ऊंचे वाले ऐसी मोटी मोटी वायर जा रही होती है वो जो टावर लगे हुए हैं वो टावर कैसे हैं आपके मूवेबल की इमूवेबल वो इमूवेबल है क्योंकि इतने बड़े होते हैं वो कि उसको मूव कराना है तो उसके टुकड़े टुकड़े हमें करने पड़ेंगे तभी वो आपका प्रैक्टिकली मूव हो सकता है तो वो आपके इमूवेबल लेकिन ये साइज में छोटे हैं इनको बोला जाएगा मूवेबल तो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ़ फैक्ट कि वो मूवेबल है या इमूवेबल है ठीक है एक और क्वेश्चन यहां पर आता है दिमाग की दही मत बना देना बिल्कुल भी क्वेश्चन शानदार है ये जो आ, फैन सीलिंग फैन जब आप बाजार से लेकर आते हैं तो सीलिंग फैन आपको बाजार से कुछ ऐसे करके अलग अलग तीन डब्बों में आता है ये रहा मोटर अलग डब्बे में आती है इसका जो रेगुलेटर है वो अलग होता है इसके जो ब्लेड्स हैं वो अलग होते हैं तीन टुकड़ों में तीन डब्बों में अलग अलग लगता है डिसमेंटल होकर आता है ब्रेकअप होके आ रहा होता है क्यों करते हैं ब्रेकअप असेंबल्ड फॉर्म में क्यों नहीं आता क्योंकि असेंबल्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाएगी ब्लेड्स मुड़ जाएंगे और एक ट्रक में बहुत ज्यादा पंखे नहीं आ पाएंगे इसको डिसमेंटल करते हैं पैकेट में बंद करते तो ज्यादा थोड़ा आ जाता है माल ट्रक में और ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है इस वजह से डिसमेंटल फॉर्म में इसको हम मूव कराते हैं फाइनली इस फैन को क्या बोलोगे मूवेबल या इमूवेबल आवाज नहीं आ रही मूवेबल या इमूवेबल है जी मूवेबल कैसे विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस यस विदाउट एनी विच कैन बी मूव्ड हम ease of transportation के लिए ओके okay, कर रहे हैं लेकिन क्या ये असेंबल्ड फॉर्म में मूव नहीं कर सकता इट कैन बी कर सकता है तो which can be moved, actual कैसे करा रहे हो अनअसेंबल्ड या अनअसेंबल्ड ये बेटर नहीं करता हमें ये देखना कि विच कैन बी मूव्ड एज सच क्या ये जो कहते हो असेंबल्ड फॉर्म में मूव हो सकता है या नहीं अगर हाँ तो इसे बोला जाएगा आपका मूवेबल इज फाइन यस चलो जी तो सीलिंग फैन आपका मोवेबल कैटेगरी में यहां पर आ जाता है बहुत ही अच्छी बात है साहब सही चल रहा है मैटर आगे आगे आ जाइए अब आगे एक ये आती है कि ये ये बताइए गन्ने की फसल है एक बात पूछू आपसे मैं ये तो गन्ने की फसल का चित्र दिखा रहा हूं अगर रियलिटी में मैं ये वीडियो शूट करके लाता गन्ने के खेत में जाकर तो और वहां पूछता जाके बताओ क्या है ये तो ज्यादा अच्छा होता कि अच्छा ज्यादा वो ज्यादा अच्छा होता ना अच्छा ठीक है तो आपकी मुराद में पूरी करने वाला हूं जल्दी ही ठीक है मैं यही कांड करने वाला हूं मैं थोड़ा सा अभी समय नहीं मिल पा रहा आपकी क्वेरीज बहुत सारी आ रही हैं वरना मैं यही काम करने वाला हूं यहां गन्ने के खेत में रियलिटी में खड़ा होऊंगा मैं और वहां वीडियो को पॉज करके वहां पूछूंगा बताओ ये क्या है तो अच्छा, मूवेबल या इमूवेबल लोग खड़ी फसल बेच देते हैं खासतौर पर जो शुगर मिल होती है ना तो गांव में लोग क्या करते हैं शुगर मिल को खड़ी फसल बेच दी जाती है कि भाई ठीक है आप काटो ले जाओ और आपकी हुई फसल तो ये मूवेबल है कि इमूवेबल है इसको मूव कराने के लिए इसका अंग भंग करना तो जरूरी है अंग भंग तो इसका होगा पेड़ पेड़ का भी अंग भंग होता है भाई साहब तो एक नजरे से देखा जाए तो ये तो इमूवेबल कैटेगरी में आ रहे हैं लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि नहीं सर मूवेबल है खड़ी फसल बेच दी मूवेबल सर क्या है मतलब काट के तो ले जाएगा यहाँ से क्या दिक्कत है कटेगी तो वैसे भी है तो लॉ मेकर ने यहां पर आकर स्पेशली बोला अलग से स्पेसिफिक करके बोला गया सुनो बाकी सारी चीजें एक जगह एक जनरल डेफिनेशन अलग है लेकिन ये जो फसल हुई घास घास भी तो बेची जाती है ना फसल हुई घास हुई पेड़ हुए इन सबको मूवेबल माना जाएगा स्पेसिफिक जो लगा के बोला कि इनको मूवेबल बोलेंगे यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी डिबेट्स आ सकती थी पेड़ों को लेकर फसल को लेकर कि मूवेबल है कि इमूवेबल है तो उन्होंने स्पेशली बोला और क्या बोला भला ऐसे करके बोला कि भाई देखिए एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज मतलब विच कैन बी मूव्ड मतलब विच कैन बी मूव्ड एस सच विदाउट एनी डिसमेंटलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये सब आ गया यहां पर इनक्लूडिंग इनक्लूडिंग का हिंदी में मतलब होता है ये भी क्या रे, ये भी अब ये भी का क्या मतलब है मैं मेरी पत्नी को जाके बोलता हूं अभी डेमो देता हूं डेमो कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूं पत्नी खुश हो जाएगी अच्छा और मैंने बोल दिया पत्नी से कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं तो भाई साहब तो कलेश पड़ जाएगा एक शब्द मैं तुमसे भी प्यार करता भी का क्या मतलब और कौन है और कौन है कल मुहिंद बदनाम बताओ उसको कलेश पड़ जाएगा बहुत क्या वाला मैं तुमसे भी कहता हूं मतलब कोई और भी है पहले तुमसे पहले कोई और भी है तो यहां भी कह रहे हैं कि ये भी ये किसका है ये भी मतलब जो है सो है वो पहले वाले तो ये तो है ही है साथ में ये भी फेना ही लेना भूल ना जाना ये भी है इनको भी लेना है इसको स्पेशली लेना है स्पेशली बोला गया इसके लिए ठीक है जी चलो जी क्या बोलते हैं ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास हम्म थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अर्थ साइनेज इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह वगैरह जितनी चीजें आपके देखी हैं जिनमें थोड़ा डाउट था उन सबको यहां पर आकर बोल दिया गया कि इनको भी हम ऐसे ही मानकर चलेंगे प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है राधे आगे बढ़ते हैं आगे एक खतरनाक सा पॉइंट आ रहा है एक्शनेबल क्लेम करके बहुत कुछ सीखेंगे बाबा की बूटी के अंदर हम एक्शनेबल क्लेम ये क्या है नाम सुना कभी एक्शनेबल क्लेम का सुना है सुना क्या नाम बताइए फाउंडेशन में नाम सुना आ जा, आ बता. सर, आ जा ना जा, आ जाए आ फाउंडेशन में सुना एक्शनेबल क्लेम का नाम बता सर बट फूड ग्रेन तो बेसिक नीड है तो ये एग्जेम हुआ ना हुँ. अब देख बच्चे की बात तो ठीक है एग्जेम्ट हुआ ना फूड ग्रेन्स गुट्स है कि नहीं है बोलो रे गुट्स है बेचने पर जैसे किसान आदमी है किसान आदमी है फसल गेहूं की फसल पैदा करी और बाजार में बेचकर आया तो गेहूं की जो फसल आई गेहूं जो आया वो गुड्स है बेचा बाजार में जाकर सप्लाई भी है।, है ना लेकिन आगे चल के आप पाओगे कि इसे एग्जेम्ट कर दिया गया है तो ये बाहर यहां से निकल रहा आगे से चल के निकलेगा आगे निकलेगा चलकर यहां तो गुड्स तो कम से कम रखा जाएगा ऐसा नहीं कि गुड्स ही ना बनने दिया जाए उसको ठीक है यस सर हम्म सर क्लेम होता है क्या पढ़ा आपने जी सर इतना याद आ रहा है उसके हिसाब से तो जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स बिल्स ऑफ ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज चेक ये सब एक्शन में क्लेम सर जिसका क्लेम करा जाए एक्शन करके जिसका क्लेम करा जाए एक्शन करके नहीं बैठो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है सीधी भाषा में कॉन्टिंजेंट एसेट्स कॉन्टिंजेंट एसेट मतलब कंटिजेंसी है वह एसेट आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है बिलऑफ एक्सचेंज वगैरह में सर्टिनिटी होती है चेक में सर्टनिटी होती है कि मिलेगा ही मिलेगा आपको कोई कंटेंजेंसी नहीं होती है आप उसे प्योरली एसेट के रूप में रिकोगनाइज करते हो बैलेंस शीट में दिखाते हो कि किस मेरा पैसा आने वाला है कॉन्टिंजेंट एसेट में होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने मुझसे कहा सर जी कुछ पैसे उधार दे दो हमें मुझे देना ये मेरे पास में आया कुछ पैसे उधार दे दो सर जी तो हमने कहा ठीक है हालांकि मेरे पास भी नहीं मैं किसी और से लेकर उधार दूंगा मेरे पास भी पैसे नहीं है तो आया मेरे पास में आजा भैया आजा उधार पैसे दे दो अब उधार पैसे दे रहा हूं लेकिन मैं इससे कोई सिक्योरिटी वगैरह साथ में गिरवी नहीं रखवा रहा हूं जब सिक्योरिटी कोई साथ में गिरवी नहीं है ये लीजिए अनसिक्योर लोन क्या है अनसिक्योर्ड लोन अब ये पैसा लौट के आएगा या नहीं आएगा मैंने अपने ही एक रिलेटिव को अच्छी खासी रकम मतलब सत्तर लाख रुपए पांच साल पहले दिए थे इन टू थाउजेंड एटीन अनसिक्योर्ड जरूरत थी बहुत भारी जरूरत थी मैंने दे दी है अभी तक नहीं आए जब भी फोन करो दूंगा 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 मार नहीं रहा हूं दूंगा छह पांच छह साल हो लिए ना तो सिक्सटी परसेंट तो खत्म मानो क्योंकि वो वैल्यू उसकी बढ़ जाती क्या कर सकते अनसिक्योर्ड वो एक्शनेबल क्लेम ये रियल एग्जांपल था मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं मैं कोशिश करता हूं कि एग्जांपल रियल दूं मैं आपको सत्तर लाख उधार दे दिए कि हां आ जाएंगे कोई सिक्योरिटी कोई कुछ नहीं लिया था लेकिन वो क्या है मेरे लिए कंटेंजेंसी है अब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा अच्छा दस साल बाद मिला भी तो आई थिंक कुछ नहीं मिला ना क्योंकि सत्तर लाख का तो दस साल में वैसे ही बैंक में डालो तो डबल हो जाते हैं कोर्ट में केस चल रहा मेरा मैं रियल एग्जाम्पल देता हूं आपको कोर्ट में केस चल रहा है पहले सेटेलाइट का पुराना ऑर्गेनाइजेशन था वहां कुछ डिस्प्यूट हुआ था हमें लगता है वो गलत थे उन्हें लगता है हम गलत थे उन्होंने हमारे ऊपर क्लेम ठोका दस करोड़ का कि इनकी वजह से हमें दस करोड़ का नुकसान हुआ है हमने काउंटर क्लेम ठोका पंद्रह करोड़ का कि इनकी वजह से हमें पंद्रह करोड़ का नुकसान हुआ है मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में इस समय हियरिंग पे है केस पूरी तरह से मेरे फेवर में है लिटिगेशन में है पेंडिंग है लेकिन भले ही मेरे फेवर में वकील तो मुझे बताया मेरे फेवर में ऑलवेज ये तो तो बोलेगा नहीं तुम हार रहे हो जी वकील साहब तो मोटिवेट करते हैं पूरा पूरा पंद्रह करोड़ है तो कई आउटकम आ सकते हैं या तो हो सकता है जो उन्होंने दस करोड़ का क्लेम डाल रखा है मुझे दस करोड़ देना पड़ सकता है या मुझे पंद्रह करोड़ मिल भी सकते हैं या हो सकता है न्यूट्रल हो जाए केस ही खत्म हो जाए ना देना ना लेना लेकिन फिर भी एक होप तो दिमाग में रहती है ना कि पंद्रह करोड़ मेरे मिल सकते, सकते हैं।, हैं पेंडिंग लिटिगेशन क्लेम डाला है तो होप के साथ ही डाला है कि मैं ठीक था यह है आपका एक्शनेबल क्लेम क्वॉन्टिजेंट एसेट्स क्या कौंटिंजेंट कौंटिंजेंट एसेट्स।, एसेट्स समझ में आ गया भाई साहब कौन टिक बैठो लॉटरी टिकट हमने लॉटरी का टिकट लिया जब हम टिकट लेते तो हमारी होप होती है ना कि शायद यह ड्रॉ मेरा ही निकलेगा इनाम मेरा ही निकलेगा अगर हो पी ही ना हो तो शायद कोई लॉटरी का टिकट खरीदे ही ना तो लॉटरी का टिकट मिलने के बाद मुझे लगता है कि मुझे यहां पर ढाई कितना ढाई करोड़ कितना फर्स्ट प्राइस गारंटीड मुझे ढाई करोड़ या एक करोड़ जो भी इसका बनता है वो पैसा मुझे मिलेगा कॉन्टिजेंसी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले आपको ध्यान है मेले में जाया करते थे आप और ये गेम आज से नहीं बहुत पुराने समय चलता रहा है हम भी जाया करते थे पिताजी के साथ में मेले में एक रुपए के चार छल्ले मिलते थे कुछ कुछ याद आ गया होगा आपको एक रुपए के चार छल्ले मिलते थे और सामने दो तखत लगाकर स्टेज बनाकर उस पर पार्ले जी का बिस्किट होता था साबुन होता था कहीं एक दस रुपए का नोट लगा होता था अलग अलग आइटम्स रखे होते थे जिस पे छल्ला डाल दोगे जिस पे घेर लिया वो तुम्हारा तो पांच रुपए फेंकूंगाजेंट एसेट है कि नहीं छल्ला पड़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता है ऐसे लॉटरी में होता है तो ऑल दीज आर एक्शनेबल क्लेम मतलब कॉन्टेंजेंट एसेट इज इक्वल टू योर एक्शनेबल क्लेम लेग ये कैसा आ गया ये कब से आ रहा है तभी तो बता दिया करो मुझे अपन न्यू बैंड अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं ब्रेक दे दूँ यहाँ पे यार रुकूँ रुक जाओ बच्चे परेशान हो जाएंगे ऐप पे बंद हो गई एक सेकंड Mm

हो गया? गया, हो गया हो गया हो गया हलो यस yes. <coughs> जी तो यहाँ थे ना हम बात कर रहे थे एक्शनेबल क्लेम को लेकर तो जो ये एक्शनेबल क्लेम अपना होता है इसी की हम बात कॉन्टिजेंट एक्शनेबल क्लेम का मतलब था अपना कॉन्टिंजेंट एसेट की हम यहां पर बात करके चल रहे हैं जैसे कि अपना अनसिक्योर डेट्स हो गया पेंडिंग लिटिगेशंस हो गए अपने कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा होता है पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है फिर हमने बात करी यहां पर आकर लॉटरी टिकट की कि लॉटरी के केस में क्या होगा हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं इस होप में इस उम्मीद में कि शायद हमारा इनाम यहां पर निकलेगा हमें पैसा इसमें मिलेगा लेकिन पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता यह कंटेंजेंसी है यह है आपका एक्शनेबल क्लेम बचपन में जाया करते थे मेले में जाया करते थे एक रुपए के चार छल्ले मिलते थे उन छल्लों को ऐसे लगाया करते थे निशाना करके जिसके ऊपर गिरा दिया वो आपकी हो गई मतलब जो सामान था वो मतलब आपका हो गया ऐसे करके चाहे वो पाले जी का बिस्किट हो चाहे कहीं भी हो काश जीवन में भी होता कि जहां छल्ला गिरा दो वो आपका हो जाए खैर जो भी है वो कंटेंजेंसी थी वो मिलेगा नहीं मिलेगा छल्ला गिरेगा नहीं गिरेगा वो भी एक मैटर करता था लख आजमा लख आजमा है तो वो करके होता वो कंटेंजेंसी होती बैटिंग गैम्बलिंग ये सब क्या होता है क्या होता है बैटिंग गैम्बलिंग वगैरह सब क्या होता है ये लक होता है हॉर्स रेस वगैरह सब अपना बैटिंग जो लगाई जाती है सब अपना एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं अब एक्शनेबल क्लेम का ट्रीटमेंट क्या होता है तो यहां पर एक्शनेबल क्लेम्स को बोला गया है कि भाई इनको हम गुड्स के रूप में बोलकर चलेंगे वैसे एक बात कहूं मेरे मन से पूछा जाए तो जो ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो अपने यहां पर एक्शनेबल क्लेम्स है ना भाई मेरे जो एक्शनबल क्लेम्स हैं तो इनके बारे में मुझे ऐसा लगता है माई ओपिनियन ये है इसमें इवन शुरू में हाईकोर्ट ने भी बोला था कि जो एक्शनबल क्लेम है ना तो ये गुड्स हैं और ना ही ये सर्विस है लेकिन यहां पर आकर आपका जो जीएसटी लॉ है यह बोलता है कि भैया जी इनको हम गुड्स के रूप में बुलाकर चलेंगे

ब्रिक तो गुड्स में हमारी तीन बातें आ गई मूवेबल प्रॉपर्टी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिसमेंटलिंग बिना अंग भंग किए और नंबर दो पर आप कहा जाता है घास पेड़ फूस जितना भी सारा का सारा आपका गुड्स कहा जाता है एंड थर्ड वन इज ये भी है ये भी ये भी ये जो एक्शनल क्लेम्स आपके होते हैं इनको भी यहां पर आकर गुड्स बोला जाता है अब अगले पॉइंट पर आकर देखेंगे कि आखिरकार सर्विस किसे कहते हैं तब तक लिए मैं आपको ब्रेक देता हूं और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे बच्चा ठीक है तो लेट्स है ब्रेक ऑफ टेन मिनट्स चलो जी आइए साहब आ जाइए हमारे पास में आप लोग भाई गुड्स तो हमने देख लिया है कैसे कहते हैं अब सर्विस और देखनी बाकी है तो उसको भी देखते हैं क्या है तो हमें यही तो चेक करना पहले गेट पर कि क्या गुड्स है क्या सर्विस है क्या कुछ भी नहीं है तो सर्विस के लिए बच्चा कह रहा है एक क्वेश्चन आ रहा है रजनीश सर ये जो एक्शनेबल क्लेम को फर्दर एंड इमूबल में डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्या नहीं एक्शनबल क्लेम को ऑलवेज मूवेबल माना है तभी तो गुड्स है वो और वैसे भी आप categorization के चक्कर में ना पड़े बिकॉज उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये भी 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 मत तो किस मतलब यस अब तर्क मत लड़ाइए उसके ऊपर ठीक है वैसे करके आगे आगे छोरे एनसीआर वाले मतलब क्या कह रहा है आगे एनसीआर अच्छा, वाले छोरे आगे अच्छा ये एक और बच्चा कुछ कह रहा था बड़ा पॉजिटिव कमेंट दे रहा क्या कह रहा है लेक्चर करने में लग गए मुझे बट रियली ग्रेट टीचर हो आप थैंक यू सो मच हाईएस्ट नंबर तो आ जाएंगे वेरी गुड चलो भाई आगे दिल्ली एनसीआर के सर्विस के लिए लॉमे करने यू बाहें खोल दिए शाहरुख खान की तरह एकदम तो। मतलब मतलब ये कि गुड्स की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली है अब जो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आया है वो सब का सब यहां पर सर्विस बोल दिया गया है इसका मतलब ये हो गया कि पूरे ब्रह्मांड को पूरे यूनिवर्स को दो भागों में बांट दिया गया या तो कोई चीज गुड्स होगी और जो गुड्स नहीं है उसको यहां पर सर्विस बोल दिया जाएगा जय जय शीरा थे ऐसा नहीं लग रहा जैसे लॉ मेकर बड़ा डरा डरा सा है कि बेटा कुछ गलती ना हो जाए करे या तो गुड्स नहीं तो सब सर्विस है अच्छा जी क्या बोलते हैं एनीथिंग एनीथिंग मतलब कुछ भी दर देन गुड्स दैट इज एन एक्टिविटी इधर एक्टिव और पैसिव एक्टिव का मतलब होता है कुछ करना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हो कुछ करना डू समथिंग और पैसिव का मतलब होता है कुछ ना करना क्या होता है कुछ ना करना नॉट टू डू समथिंग डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग नॉट टू डू समथिंग को हम नेगेटिव एक्ट के नाम से भी जानते हैं अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं नंबर एक मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं आपसे मैंने फीस ली है मैं आपको क्या दे रहा हूं गुड्स या सर्विस 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 किस टाइप की है एक्टिव मोड में या पैसिव मोड में एक्टिव मोड में दे रहा हूं आई एम डूइंग समथिंग राइट यस सर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है वो भी आपको दे रहा है एक एक्टिव सर्विस यस सर ड्राई क्लीनर कपड़े धो रहा है वो भी दे रहा है एक एक्टिव सर्विस कार रिपेयरिंग वाला कार की रिपेयर कार्य वो भी कर रहा है एक्टिव सर्विस आप जहां भी देखिए वहां आपको एग्जाम्पल मिलेगा एक्टिव सर्विस का तो फिर पैसिव सर्विस क्या है इधर आ जाओ वो आएगा इधर आ जाओ पैसिव सर्विस क्या है अब ये बच्चा सीए इंटरमीडिएट का है कल में से ऐसे पूछ बैठा भाई तुम्हारा सीए बनने के बाद का प्रोग्राम क्या है तुम क्या करना चाहते हो तो बोला जी पढ़ाना है टीचिंग में आना चाहता हूं टीचिंग अब टीचिंग को सुनते मुझे झटका लगा मैंने कहा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे किस में इंटरेस्ट है कह फिलहाल तो इसी में बन रहा जो आप पढ़ा रहे हो तो मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बच्चा आगे चलकर मेरा कॉम्पिटिटर बनने वाला है मैं डर गया कि भाई मेरा तो ये मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे डेंट देगा मुझे नुकसान हो जाएगा होशियार बच्चा है ठीक से सुनता है अभी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता भी है एक्सपीरियंस है अच्छा बोलता है मैं डर गया मैंने कहा काम करो भाई मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट ये कि तुम आईडीटी नहीं पढ़ाओगे बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते हो इसके बदले मैं तुम्हें एक लाख रुपए दूंगा लेकिन तुम आजीवन आई नहीं पढ़ाओगे एग्री करते हो कि नहीं करते हो नहीं मैं आपको इसके बदले एक करोड़ रुपया दूंगा आप आजीवन आईडी नहीं पढ़ाओगे मैं आपको दस करोड़ रुपया दूंगा है है? लौस अभी लॉस है <laughs> अभी लॉस देख रहे हो मतलब प्रॉफिट रिकोगनाइज करके बैठ चुका है ये तब इसको लॉस दिख रहा है कि यार अभी तो नहीं आया बीस करोड़ नहीं ये पचास करोड़ अब तो बच्चे भी कह रहे बो, हाँ बोल दे ऑफर निकलना जाए हाथ से या तो पचास है खत्म बोलो क्या करना है सौ करोड़ मान लेते सौ करोड़ अब मैं इनको कॉन्ट्रैक्ट में बांधता कैमरे में आ जाओ क्या नाम है तुम्हारा कपिल यहाँ लिखा जा रहा है मैं कपिल सन ऑफ पिताजी का नाम यहां पर आ जाएगा और मैं मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से सी एस सी एम सी एस या और भी भविष्य में कोई बदला हुआ नाम एस द केस मे बी इंटरमीडिएट फाइनल लेवल या और भी कोई बदला हुआ नाम किसी भी मोड में पेन ड्राइव लाइव गूगल ड्राइव हार्ड डिस्क मोड में इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसमें वादा करता हूं लाइफ टाइम नहीं पढ़ाऊंगा और इसके बदले आपको दिए जाते हैं सौ करोड़ रुपए मैंने साइन कर दिए आप साइन करो अब मैं यहाँ इनको देता हूँ एक सौ करोड़ का चेक फाड़ कर देता हूँ इनको मैं ये रही मेरी चेक बुक और यहाँ से आपको मिलते हैं ये लीजिए आपको मिलता है एक चेक ऑफ रुपीज वन हंड्रेड जीरो कितनी होंगी सौ करोड़ में सौ करोड़ में।, में हो गए आपके नौ। हैं नौ।, नौ ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ वन हंड्रेड करोड़ ये मेरे सिग्नेचर आ गए यहाँ पर आ गया कपिल पूरा नाम क्या है कुमार कपिल कुमार डेट क्या है आज की यहाँ पर आ मुबारक हो थैंक यू सर लेकिन एक शर्त है आपको ये चेक तभी मिलेगा <क्थाँगा> पहले मुझे बताओ इस केस में सप्लायर कौन है रेसिपिएंट कौन है सर, इस मेरे प्रश्नों को उत्तर तो देने पड़ेंगे पांच प्रश्न को उत्तर देने पड़ेंगे तो ये चेक आपका होगा सप्लायर कौन है रेसिपिएंट कौन है सर, एक भी अगर गलत जवाब दिया तो वहीं से डील कैंसिल सप्लायर कौन है सर, सप्लायर मैं हूं आप कौन है गलत जवाब चेक मेरा हुआ सप्लायर कौन है यहाँ पे आप दे रहा। सप्लायर कौन है यहाँ पे जाओ लाइट माजा बेटा सप्लायर कौन है अच्छा रेसिपिएंट कौन होता है जिसे जो पैसा देता है या लेता है? है आपके मेरे बीच में रेसिपिएंट कौन है आप लोग तो आपने पैसा दिया है कि लिया है दिया आपने दिया है ना तो जो पैसे देता है वो कौन है रेसिपिएंट हाँ भाई साहब इधर वे सीधे अरे खाना पीना बाद में सिक्योरिटी हो गई ना ये तो अबे सिक्योरिटी नहीं है दे दिया खत्म सिक्योरिटी पे कर दिया मैंने सौ करोड़ रुपए इनको सिक्योरिटी हो गई वन टाइम पेमेंट सर सौ करोड़ जीवन में न, कभी नहीं पढ़ाएगा ये सिक्योरिटी नहीं है कुछ भी ये लड़का है सप्लायर हो लड़का का है। ये लड़का सप्लायर है क्योंकि इसने सर्विस दी है अच्छा हमेशा ध्यान रखना जब भी कन्फ्यूजन आए तो रेसिपिएंट वो होता है जो पैसे देता है तो मतलब मैं रेसिपेंट ऑब्वियसली बस सप्लायर आप हुए आप मुझे सर्विस दे रहे हैं कैसी सर्विस कुछ करके या कुछ ना करके सर, कुछ ना करके कुछ ना क्या ना करके, ना करके? सर आईडीटी ना पढ़ा के लाइफ टाइम दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्टिविटीज नॉट टू डू समथिंग कुछ नहीं कर रही ओके okay? इसके लिए तो मैं पैसे मिले हैं इसलिए यू आर द सप्लायर आई एम द रेसिपिएंट दिस ज काइंड ऑफ इस सर्विसेज एंड लाइबल टू जीएसटी इन योर हैंड आपको इस पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा जाए। प्रेम से इस पे आज इसको भी रिप्लेस करेंगे इस पे ऐप पर लैग हो रहा है आज ये भी जाएगा मुझे दिखता है आज ये भी खत्म कुछ और करेंगे हेलो हेलो तो बच्चों ने रिफ्रेश किया होगा पता है उन्हें कैसे पता कि अब करना है रिफ्रेश तुमने तो कर दिया रिफ्रेश संदीप चलो जी कोई नहीं ये लैग कर रहा है इसका भी सोल्यूशन कल तक दे देंगे हम इसको भी हटाएंगे इसको भी रिप्लेस करेंगे वैसे बारिश हो रही है आज बहुत ज़्यादा तो वहीं थे हम नेगेटिव एक्ट नेगेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर थे तो मैं यही कह रहा था आपसे कि यहाँ पर आकर ये जो सौ करोड़ रुपए इनको मिल गए हैं बच्चा बहुत खुश हो रहा है आज कह रहा है आज काम खत्म है सौ करोड़ को डालूंगा एफडी बनाऊंगा और फिर एफडी डी बना के पैसे आते रहेंगे और फिर जस्ट यूट्यूब पे वीडियो डाले करूंगा बस मैं फिर यूट्यूबर बन जाऊंगा घुमांगा फिरूंगा और पैसे आते रहेंगे मेरे लगातार सौ करोड़ मिल गया यार सही है। तो ये जो नेगेटिव एक्टिविटी आपने करी है कुछ ना करके ये एक प्रकार की सर्विस मानी गई है और इस पर भी जीएसटी अपना लगाया जाएगा चलो और क्वेश्चन पूछते हैं बैठो यहां पर मेरा एक स्कूल भी है क्या आपको पता है मेरा एक स्कूल भी है पर एक समस्या है वहां पर वह क्या है कि स्कूल के जस्ट बराबर में एक फैक्ट्री बन गई और फैक्ट्री भी ऐसी वैसी नहीं फैक्ट्री है जिसमें लोहे का काम होता है हाँ। जिसमें लोहे का काम मतलब लोहे की सरिया वगैरह बनती है उसके अंदर आकर और भाई सब जैसे ही सुबह के नौ दस बजते हैं वहां धाड़ धाड़ ये मतलब आवाज खतरनाक खतरनाक वहां से नॉइज आनी शुरू हो जाती है अब सोचिए जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर ऐसी आवाज़ें आएंगी वो ठकने पटकने की क्या बोलते हैं हैमर बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको तो ऊपर से आकर मशीन गिरती है फिर उठती है फिर गिरती है तो भाई दिक्कत है तो मैंने उस फैक्ट्री ओनर के हाथ जोड़े के साहब मेरा स्कूल है बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर आकर आप नौ बजे से लेकर बारह बजे तक इन तीन घंटों में आप हैवी वर्क ना किया करें क्योंकि तो मेरे बच्चे इससे डिस्टर्ब होते हैं उन्होंने कहा साहब दिक्कत है हमारा नुकसान होगा हम ऐसा तो नहीं कर सकते मैंने कहा प्लीज कह रहे प्लीज के पैसे लगेंगे मैं कितना नुकसान होगा कह रहे दस लाख रुपए महीने का नुकसान होगा हमें मैं कहा ठीक है तो दस लाख रुपए आपको मैं देता हूं हर महीने के लेकिन आप नौ से बारह के बीच में ये अपनी मशीनें नहीं चलाएंगे उन्होंने कहा ठीक है जी तो मैंने उनको पैसे दिए कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए कुछ ना करने के लिए इट इज ए काइंड ऑफ नेगेटिव सर्विस द फैक्ट्री ओनर गिविंग बी द नेगेटिव सर्विस नॉट टू डू समझ ना करने की सर्विस दे रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा एंड इट इज लाइबल टू जीएसटी रेसिपियंट कौन है यहां पर? जो पैसे देता है वो रेसिपियंट आई एम द रेसिपियंट ही सप्लायर इट इज लाइबल टू जीएसटी ढेरों एग्जाम्पल आ सकते हैं ऐसे हमारी कॉलोनिया यहां पर बनी हुई है लो राइज है मतलब तीन तीन मंजिल फ्लैट बने हुए हैं बस इसमें आके अभी हमारे बराबर में 40 मंजिला एक ग्रुप हाउसिंग अप्रूव हो गई है बड़ा बिल्डर है 40 मंजिला ग्रुप हाउसिंग बना रहा बड़ी और वो 40 मंजिला ग्रुप हाउसिंग बन गई तो हमारी कॉलोनी की पूरी धूप रोशनी छाया सब खत्म धूप भी नहीं आएगी ढंग से कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर बिल्डर के पास में गए कि हे बिल्डर भाई ऐसा जुलुम मत करो चालीस मंजिला मत बनाओ उसने पेपर दिखाई भाई साहब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मुझे मैं इलीगल काम नहीं कर रहा हूं मैं बनाऊंगा हमने कहा चालीस मत बनाओ बीस ही बना लो नुकसान हो जाएगा नुकसान की भरपाई हम करेंगे आप सिर्फ बीस से ऊपर मत बनाइए कहा ठीक है तो यहां पर भी एक प्रकार की नेगेटिव सर्विस हो गई वो जो बिल्डर है वो कुछ ना करके हमारे ऊपर एहसान कर रहा है नेगेटिव एक्टिविटी की वो सर्विस यहां पर दे रहा है जिसके लिए हम उसे पैसे दे रहे हैं तो ये आपके एग्जांपल्स हैं

जो मनी है वो आपका यहां पर ना गुड्स माना गया है और ना ही आपका ये सर्विस माना गया है कुछ भी नहीं है और ऐसे ही सिक्योरिटी आपका ना मनी है ना गुड्स है लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे क्योंकि जब तक भाई ऐसे थोड़ा ना कि मेकर ने लिखा है ऐसा तो कुछ नहीं होता क्यों नहीं माना गया है हर बात के पीछे शब्द के पीछे क्यों लगाना सीख जाओ क्यों सिक्योरिटीज के ऊपर आप जानते हैं एक टैक्स लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कभी आप वो ट्रेडिंग वेडिंग करते छोटे थोड़ी बहुत जीरोधा वगैरह जैसे बहुत सारे ऐप हैं आज की डेट में तो कभी की ट्रेडिंग आपने की कभी आपने करिए भाई बताइए आ रहे हैं हिमांशु बेटा वहां तक चलेंगे हम चिंता अभी आगे चलने दो ना मैं धीरे धीरे आ रहे हैं वहां तक हम हिमांशु सर देखिए जहाँ जीरोधा वगैरह आप जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो मान लीजिए हमने वहां पर लाइक एक लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी एक लाख के हमने जो शेयर्स हैं वो सेल परचेज यहां पर कर दिए हैं ठीक है तो इसके ऊपर क्या लगता है एक तो जो जीरोधा का ऐप है जीरोधा का ऐप है उसकी लगती है बीस रुपए की वो अपनी फीस लेता है कि भाई मैंने आपका काम करा के दिया सेल परचेज का मैं प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूँ ये फीस लगेगी और साथ में एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यहां पे लगाया जाता है आई थिंक एक परसेंट के आसपास का होता है छोटा सा एक अमाउंट होता है बताइए हमें क्या इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी भी लगना चाहिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं दिन में ना जाने कितने लाख का सामान बेचते हैं कितने लाख का खरीदते हैं फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रही वही खरीदा बेचा जा रहा है वैसे करके तो ऐसे में अगर जीएसटी की बात कर ली गई तो सोचिए एक लाख पे अठारह परसेंट अठारह हजार अठारह हजार का जीएसटी नहीं भाई साहब ये एक लाख पे तो मुश्किल से सौ दो सौ रुपए बचते हैं इनको बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है जो बचत होती है इसमें एक दो परसेंट पर लोग बेच देते हैं अपना सामान यहां जीएसटी नहीं लगता यहां पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है इसलिए यहां पर जीएसटी की बात नहीं होती है इसलिए इसको पहले ही गेट से आउट कर दिया कि भगा भाई इसको ये अलग मैटर है दूसरे देश का यहां का ही नहीं आदमी है सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर स्टॉक्स वगैरह सबको यहां से बाहर निकाल दिया गया नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल गेट नंबर से आउट आउट मतलब out. लेकिन ये जो ब्रोकरेज है इसका क्या सीन है ब्रोकरेज पर आएगा कि नहीं आएगा ब्रोकरेज जैसे सीन पूरा कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं इसकी आकर मालिक तो बातें कुछ ऐसे निकल के आती हैं हम बात कर रहे हैं अपने आ, यहां पर आकर आ, जैसे आ, ये स्टॉक ब्रोकर हो गया फॉर एग्जाम्पल था ये यहां पर सेलर है और ये बायर है ठीक है इन्होंने इनको अपने को सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह बेच दिए हैं लेकिन इनको प्लेटफॉर्म किसने दिया है इसने दिया है तो ये जो शेयर्स की सेल करी गई है यहां पर आकर तो एक लाख रुपए के शेयर्स बेचे गए थे ये ना तो गुड्स की परिभाषा में आते हैं ना ही ये सर्विस की परिभाषा में आते हैं इसलिए गेट नंबर वन से ही इनको आउट कर दिया जाता है और इसके ऊपर हम लोग जीएसटी की बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि गेट नंबर वन से ही आउट है लेकिन ये अपने कुछ ब्रोकरेज भी तो लेंगे ना तो जो ब्रोकरेज होगी वो तो शेयर्स और सिक्योरिटी से अलग चीज होगी ना वो तो कमीशन होगी ना ट्रांजैक्शन कराने का इस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा व्हाट इज ओपिनियन बताइए जी इस पर आएगा हाँ सर इस पर आ जाएगा इस पर पक्का पक्का जीएसटी लगाया जाता है क्योंकि ये एक प्रकार की सर्विस यहां पर जीरोधा दे रहा है इसकी सर्विस चार्जेस पर जीएसटी लगेगा लेकिन जो शेयर्स की ट्रांजेक्शन हो रही है उस पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा इसी तरह से जो मनी है मनी के ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता क्योंकि जो मनी की ट्रांजेक्शन हो रही है वो आपका यहां पर मालिक न गुड्स की परिभाषा में आता है न सर्विस की परिभाषा में आता है एक बात पूछू आपसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार मनी कहते कैसे हैं ये जो सौ दो सौ पांच सौ रुपए के नोट आपके आ रहे हैं क्या इनको मनी बोलेंगे आप बोलोगे हाँ बोलेंगे जो चेक होता है क्या ये मनी है क्या डिमांड ड्राफ्ट मनी है क्या शेयर्स मनी है क्या गोल्ड मनी है आखिर मनी कहते हैं तो कहते कि जिसकी ध्यान दीजिएगा मनी उसे कहते हैं जिसकी साहब फेस वैल्यू एंड उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू जिसकी बराबर होती है इक्वल होती है उसे बोल देते हैं मनी जैसे कि जो नोट होता है आपका ये सौ रुपए का नोट है ठीक है इसकी फेस वैल्यू क्या दिख रही है सौ रुपए मार्केट वैल्यू क्या है इसकी सौ रुपए। तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर है इसलिए आपका ये मनी हो जाता है चेक कहां है आपका वो ये सौ करोड़ का चेक है फेस वैल्यू क्या है सौ करोड़ इसकी मार्केट वैल्यू क्या है जब इन कैश कराने के लिए जाओगे तो कितने पैसे मिलेंगे कम ज्यादा है पूरे सौ करोड़ सौ पूरे के पूरे सौ करोड़ यह भी आपका मनी में आ जाता है इसी प्रकार से डिमांड ड्राफ्ट भी आपका मनी की डेफिनेशन में आ जाता है राइट बिल ऑफ एक्सचेंज दस हजार का है कितने पैसे मिलते हैं दस हजार ही मिलते हैं मैं उसको नहीं पूछा डिस्काउंट वाले को दस हजार का चेक सामने वाले ने दिया जब बैंक का बंदा लेकर जाता रिकवरी के लिए तो सामने वाले व्यक्ति जो बायर रहा होगा उससे पूरे का पूरा पैसा ही यहां पर अवेलेबल हो जाता है पांच सौ रुपए के जो पुराने नोट थे या जो हजार रुपए के पुराने नोट थे हजार रुपए का पुराना नोट बताइए वो मनी है या नहीं है नहीं वो मनी नहीं है क्योंकि फेस वैल्यू आ रही है उसकी हजार रुपए की और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आ रही है बारह रुपए किलो यानी रद्दी के भाव प्रेम से बोलेंगे राधे राधे लेकिन वक्त सबका आता है हो सकता है 500 साल बाद हजार रुपए की नोट की वैल्यू दस हजार हो रही हो जैसे आज अब पुराने पुराने से पुराने किसी के पास करेंसी है 405 साल पुरानी करेंसी है तो उसकी फेस वैल्यू बड़ी छोटी सी होती है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होती है एंटीक्स वाली कैटेगरी में वो आ जाते हैं तो जब जब तो पुराने सिक्के वगैरह हैं एक आना दो आना चार आना आज के में एक आना की कीमत कम से कम सौ रुपए में बिक जाएगा क्योंकि एंटीक से पुरानी धातु है एम आई राइट तो उसकी भी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू बराबर नहीं है इसलिए उसको भी मनी नहीं कहा जाएगा आसान भाषा में बोलूं तो आउटडेटेड करेंसी को मनी नहीं कहा जाता है ठीक अच्छा जी अब यहां पर आकर कुछ एग्जांपल्स मेरे सामने ये बनता है जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं ठीक है यहां गए साहब आप बैंक में और आपने बैंक को जो है वो एक आ, हाँ जी आप यहां बैंक में जाते हैं और ये रहा आप यहां आपने इनको एक चेक दिया और बदले में आपको डिमांड ड्राफ्ट मिला है डिमांड ड्राफ्ट की कीमत दस हजार रुपये है तो चेक कितने का दिया होगा आपने थोड़ा ज्यादा कर होगा ना कि दस हजार का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना था दस हजार प्लस एक सौ का दिया होगा है ना उस डिमांड ड्राफ्ट मेकिंग चार्ज यार डिमांड ड्राफ्ट मेकिंग चार्ज अच्छा डिमांड ड्राफ्ट जो है ये क्या मनी है या नहीं है यस yes, ये भी मनी है और ये जो चेक है आप ये जो दस हजार का अमाउंट था चेक ये, ये क्या था ये भी आपका मनी ही है क्या टेन थाउजेंड पर जीएसटी आएगा आपका टेन थाउजेंड आपका ये मनी है इस पर हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि ना ये गुड्स है ना ये सर्विस है लेकिन जो आपकी ये डीडी मेकिंग चार्जेस हैं इनके ऊपर जीएसटी आ जाएगा या नहीं आएगा जवाब दीजिए मनी पर तो जीएसटी नहीं है लेकिन मनी के रिलेशन में मनी के रिलेशन में जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके लिए जो चार्जेस लिए गए हैं उस कमीशन पर जीएसटी पक्का पक्का यहां पर लगा दिया जाता है और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं मनी को लेकर आप विदेश घूमने जाते हैं आप फॉरेन करेंसी आपको चाहिए होती है इंडियन रुपीज लेकर जाते हैं फॉरन करेंसी आप लेकर आते हैं इन बिटवीन जिससे भी आपने से चेंज कराया है चाहे तो जो करेंसी चेंज करने वाले लोग होते हैं जो फॉरेक्स डीलर होते हैं उनसे चेंज कराओगे या फिर आप बैंक से चेंज कराओगे तो इस चेंज करने में बैंक या फॉरेक्स डीलर अपना कुछ कमीशन लेता है कि नहीं लेता द आंसर इज यस तो उस कमीशन पर तो जीएसटी आएगा लेकिन जो करेंसी आपने चेंज करी है फॉरन करेंसी इंडियन करेंसी वो आपकी मनी है उस पर आपका जीएसटी नहीं आएगा वो ना तो गुड्स है ना वो आपकी सर्विस है जो दुकानदार लोग होते उन्हें छुट्टे पैसे चाहिए होते हैं मानते हो दस रुपए के नोट बीस रुपए के नोट सिक्के जो चाहिए होते हैं तो खान मार्केट दिल्ली में यह काम बड़े पैमाने पर होता है आप दो हजार रुपए का नोट लेकर जाइए आपको वहां से छुट्टे मिल जाते हैं पैसे दस दस रुपए के मिल जाएंगे पांच पांच रुपए के मिल जाएंगे आपको ये मिल जाते हैं इसको कन्वर्ट करने में छोटे नोट देने के लिए वो जो खान मार्केट में बैठा हुआ बंदा है वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है क्योंकि जितनी छोटी करेंसी आप मांगोगे इतना छोटा डिनोमिनेशन आप मांगोगे कमीशन उतना ही हाई होता है दो हजार रुपए के नोट के पांच पांच सौ करा, कराओगे आप तो कमीशन थोड़ा कम लगेगा लेकिन उसको बोलोगे भाई दो हजार रुपए का नोट है, मेरे पास दस दस रुपए के नोट दे मुझे कमीशन उतना ही ज्यादा हाई हो जाएगा उस कमीशन पर जीएसटी आएगा लेकिन जो मनी की ट्रांजैक्शन करी गई है उस मनी पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं आएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे तो क्या सीखा रे हमने सीखा कि मनी मनी और सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है इन पर तो जीएसटी अपना आएगा नहीं लेकिन लेकिन जो बोलता है कि ट्रांजैक्शन इन मनी एंड सिक्योरिटी ये रहा इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन इन मनी एंड सिक्योरिटी विद कंसीडरेशन इस कंसीडरेशन को क्या नाम देते हैं हम लोग विद कंसीडरेशन मतलब जो भी आपका ये कमीशन होता है जो भी आपकी ये ब्रोकरेज होती है एटसेट्रा इसके ऊपर ये एक प्रकार की सर्विस होती है और इसके ऊपर नॉर्मल फॉर्मल तरीके से अपना जीएसटी लगाया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे एक बात पूछूं मेरा बैंक में एक प्रीमियम अकाउंट है वो प्रीमियम ऐसे बन गया इंपीरिया इंपीरिया अकाउंट बोलते हैं एच बैंक में मेरा अकाउंट है इंपीरिया मतलब उनका जो टॉप मोस्ट क्लाइंट का होता है टॉप मोस्ट इसलिए बन गया क्योंकि आपकी फीस सीधे बैंक में जाती है वैसे पैसा ज्यादा नहीं मेरे पास में हाँ ठीक है दाल रोटी खा लेते हैं और हफ्ते में एक दिन पनीर की सब्जी खा लेते हैं ठीक है इतना है बस फीस दिखती तो मोटी है ना भाई आती हुई वो अलग बात है खर्चों के रूप में जा निकल जाती तो एक टाइम पर बैंक तो चढ़ता ही है वो अलग बात है कि भाई किताब वालों का इसका उसका पेमेंट सारा निकल जाता लगभग थोड़ा बहुत रह जाता होगा उसके अंदर तो बैंक को लगता है कि तो बड़े आदमी है भाई साहब तो उसने हमें इंपीरिया कस्टमर बना रखा है जिसके चलते हमें कई सारी सुविधाएं दे रखी हैं अगर मैं आज एक लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाता हूं तो बैंक मुझसे पता कितना पैसा चार्ज करता है शून्य डीडी मेकिंग चार्जेस जीरो हैं तो मैं एक लाख का चेक दूंगा एक लाख का डी डी बन के आएगा इस केस में बताइए जीएसटी कौन सी वैल्यू पर आएगा है जी एक लाख का चेक दिया एक लाख का डी डी के आया बस डीडी मेकिंग चार्जेस जीरो थे मुझे बताइए यहां पर जीएसटी कितने अमाउंट पर आएगा हां सरता बच्चा बोलो सरता कृतिका हिमांशु बोलो मेरे बच्चा सर यहां पर जीएसटी आएगा ही नहीं क्योंकि तो मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है और बैंक से फॉरेन करेंसी भी मांगता हूं तो की बात यह कि बैंक मुझसे फॉरेक्स का कमीशन भी नहीं लेता है तो कमीशन ही नहीं है तो वहां पर भला जीएसटी कहां से आएगा क्योंकि जिसके ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं वही नहीं है क्या कर सकते हैं तो लिखा मैंने साफ तौर पे इस बात को कि ट्रांजैक्शन इन मनी या सिक्योरिटीज आप कर रहे हो विदाउट कंसीडरेशन या कंसीडरेशन ही नहीं है तो उस पर तो आपका भाई जीएसटी आएगा ही नहीं उसको ना गुड्स ना सर्विस कुछ भी नहीं माना जाएगा वैसे करके बोल दिया जाता है तो पूरा का पूरा गेट वन आपका यहां पर कंक्लूड हो गया है इसमें हमने देखा कि गुड्स के अंदर तीन बातें सीखी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे साथ बोलना जरा मूवेबल क्या होती है विच कैन बी मूवड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिसमेंटलिंग विदाउट एनी अंग भंग उसे कहते हैं मूवेबल साथ में खड़ी हुई फसल हो पेड़ हो घास हो ये सब हो जमीन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। इंसान भी बहुत सारे जमीन से जुड़े हुए होते हैं इन सब को कहा जाता है मूवेबल साथ में जो एक्शनेबल क्लेम है जो कॉन्टिजेंट एसेट है यानी कि जो लॉटरी टिकट है बैटिंग गैम्बलिंग ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सब की सब आपकी कही जाती हैं गुड्स यहां पर आकर फिर नंबर आता है सर्विस का सर्विस क्या है बोलता है अदर देन एनीथिंग अदर देन गुड्स गुड्स को छोड़कर सब कुछ आपका सर्विस में काउंट हो जाता है ठीक उसके बाद हमने देखा कि सर्विस दो तरीके की होती है एक एक्टिव मोड में जो मैं दिख रहा है फ्रंट पे एक होता है नॉन एक्टिव मोड में में नेगेटिव एक्टिविटी नॉट टू डू समथिंग कुछ ना करना जिसके ढेरों एग्जांपल मैंने आपको दिए कुछ ना करके एक और एग्जांपल देता हूं एक, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं मैंने नया घर बनाया है अभी ड्रीम हाउस बनाया हर किसी का सपना होता ना ड्रीम हाउस का वो होता है एक बात में बताऊं आप उसे वैसे मत लेना कि मतलब मैं बड़प्पन कर रहा हूं अपना पर मैं मोटिवेशन के लिए आपको बता रहा हूं मैंने अंडर द एज ऑफ थर्टी ईयर थर्टी ईयर से नीचे नीचे की एज में अस्सी लाख की उस समय पर Audi क्यू सेवन कर ली थी आप एक टारगेट बना के चलना अपना कि अंडर थर्टी आप क्या कांड कर सकते हो डोंट टेक अदरवाइज मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपनी बट मैं आपके लिए एक टारगेट एक मोटिवेशन टारगेट दे रहा हूं कि मेरा टारगेट था कि अंडर थर्टी मैं अपनी ड्रीम कार लेकर आऊंगा मैं लेकर आया आप एक पैमाना सेट करना क्योंकि जब तक हम अपने टारगेट सेट नहीं करते पैमाना सेट नहीं करते ना हमारा दिल और दिमाग चलता नहीं है तो आप भी एक पैमाना अपना सेट जरूर करना मुझे कारों का शौक था तो मैंने कार का टारगेट किया आपको कुछ और शौक हो तो वो टारगेट कर सकते हैं आप जैसी आपकी मर्जी है ठीक है तो यहां पर आकर बोलते कि भाई हाँ तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको कि मैंने घर बनाया ड्रीम होम अपना बनाया है मतलब जितना मैं बना सकता था उतना अच्छा मैंने बनाया है दिवाली पर आई होप कि शिफ्टिंग हो जाएगी इसी दिवाली पर एंड उसमें तो मेरे घर के सामने खाली प्लॉट है काफी बड़ा है प्लॉट वो भी एक साइज के प्लॉट हैं सारे तो मुझसे आके बोलता भाई साहब मैं तो उसमें डेयरी खोलना चाहता हूं अरे मैं कह तू पागल हो रही भाई मेरे घर मेरे ड्रीम होम मैंने बनाया है उसके सामने तू डेयरी खोलेगा तू भैंस पालेगा यहां पर गोबर की बदबू आएगी यार भाई तू मेरे ड्रीम होम के ऐसे की तैसी कर देगा भाई तू ये काम मत कर कारण मुझे यही करूंगा मेरा प्लॉट है मेरी मर्जी मैं तो यही करूंगा मैंने कहा भाई तू मत कर करूंगा मैं कहा लाख रुपए महीना दूंगा करे कब तक मैं पांच साल तक ठीक है तो कितना हो गया साठ लाख रुपए साठ लाख रुपए लिए करा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं इसमें बिना आपकी परमिशन के कोई अदरवाइज एक्टिविटी नहीं करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऐसा बना दिया है कि जब तक मैं हा नहीं बोलूंगा एक्टिविटी नहीं करेगा वो को अपना घर भी नहीं बना सकता जब तक मैं नहीं बोलूंगा उसने लाख रुपये महीना लिया मैं दो लाख रुपये महीने लूंगा उससे ठीक है तब मैं परमिट करने वाला हूं उसको बट फिलहाल जो बात हो रही है साठ लाख रुपए उसने मुझसे लिए हैं चुभे तो बहुत है दर्द तो बहुत हुआ पर मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज तो मैंने सेट किया ना वहाँ पर आकर ठीक है कितने करोड़ का ड्रीम होम है अब ऐसे मत पूछो यार बहुत पैसा लग गया यार बहुत लग गया बहुत पैसा लग गया उसमें बोलते में भी डर लगता मुझे। शिव, 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 शिव। है तो वहां पर आकर मैं क्या कह रहा था आपसे कि कितने का बता दो तीस ऑडी आ जाएंगी ठीक है इतना बता दिया बस मैंने आपको आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आकर मैं आपको बताऊं साहेब Uh, तो वो जो साठ लाख रुपए मैंने दिए हैं नॉट टू डू समथिंग नेगेटिव एक्टिविटी के लिए उस पर मालिक जो अपना जीएसटी है ना वो लगाया जाएगा वैसे करके अगले पॉइंट पर बोला गया मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स हैं ना सर्विस हैं पहले गेट से आउट है लेकिन इस मनी और इस मनी और सिक्योरिटी के इर्द गिर्द वाली जो सर्विस होती है इनके रिलेशन में जो सर्विस होती है जैसे ब्रोकरेज लिया कमीशन लिया इनके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है तो मुझे बताइए पहला गेट सही से समझ में आ गया या नहीं आया हाँ या ना यस सर अभी क्या चल रहा है हेलीकॉप्टर व्यू फिर यही सारे चैप्टर बन के आपके सामने आ जाएंगे अब आते हैं अपने गेट नंबर दो की तरफ गुटिया सर्विस बन जाने के बाद मेरे भूरा अगला नंबर आता है सप्लाई का और सप्लाई में पहले ही पार्ट में बताया जा रहा है कि सप्लाई हम कहते किसे हैं नहीं नहीं सौ करोड़ का नहीं है यार इतना भी नहीं है बाद में कर सकते हैं मेरी कमाई नहीं होती मुझे बहुत ऐसी कमाई करनी है ऐसी कमाई मतलब ऐसी कमाई मतलब क्या करनी है यार मैं को दो नंबर के पास कमा रहा हूं ऐसी कमाई करनी है पर हां रिश्तेदारों को बहुत झटके लगते हैं तो पहली बार दो हजार दस में मैंने होंडा सेविक ली थी दो हजार दस में तो रिश्तेदार कहते थे कि यार ट्यूशन पढ़ा के कोई पंद्रह लाख की कार कैसे ले सकता है चलो जैसे जैसे वो झटका बियर कर गए फिर दो हजार तेरह में मैं ऑडिक्यू सेवन ले आया सारे रिश्तेदार सर पकड़ के बैठ गए तीन दिन मातम मनाया और उन्होंने क्या ऐसे कैसे हो सकता है ये फिर उन्होंने कयास लगाने शुरू करे कि कोई दो नंबर का पैसा तो नहीं है कोई उल्टा सीधा काम धंधा तो नहीं है अब जिनको बहुत ज़्यादा डाउट था वो डायरेक्ट फोन ही कर करे उन्होंने भाई क्या मामला है क्या है सब ये मैंने कहा आ जाओ तो उनको फेस टू फेस दिल्ली लेके गया पहले मैं वहां प्यारी लाल भवन करके उसमें करीब 800 बच्चा बैठ जाता है 700 सौ कैपेसिटी आठ सौ बैठ जाता है वो एक महासागर सा दिखता है वहां ऐसे करके लंबा लंबा है वो ऐसे करके अच्छा तब समझ में आया कि अच्छा ऐसे है ये खैर आगे बढ़ते हैं मालिक और मीनिंग ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट आपका यहां पर आ रहा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पुराने समय के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ करती थी वो कौन सी घटना थी अच्छा एक्साइज ड्यूटी लगने के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगने के लिए वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी लग जाया करती थी मैन्युफैक्चरिंग। वेरी गुड वैट लगने के लिए वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से वैट लगता था सेल सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट CST लगने के लिए वो कौन सी इंपॉर्टेंट घटना थी सेल आउटसाइड द स्टेट तो ऐसे करके पुराने समय में जितने टैक्सेस थे हर एक टैक्स की अपनी कोई होती है टैक्सीबल इवेंट की बात कर रहा हूं हर एक टैक्स की अपनी कोई होती है जिसकी वजह से वो लगता है वो कहते ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है तो वही औरत की बात यहां पे कर रहे हैं कि वो औरत कौन है तो चूंकि यहां पर अब सभी प्रकार के जो टैक्सेस हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है जो टैक्सेबल इवेंट थी वो भी सारी के सारी इकट्ठी ही हो गई होंगी तो गवर्नमेंट ने क्या किया है गवर्नमेंट ने यहां पर एक थैला लिया है और उस थैले के अंदर उन्होंने जो पुरानी सारी जो टैक्सीबल इवेंट थी ना वो सारी यहां पर डाल दी हैं जैसे कि सेल हुआ बाटर हुआ एक्सचेंज हुआ Lease हुआ, लाइसेंसिंग हुई इन सारी चीजों को भर के इस पैकेट के अंदर और इस पैकेट में पता क्या लिख दिया बोलो क्या लिख दिया सप्लाई है सप्लाई द मोमेंट आप सप्लाई वर्ल्ड को खोलकर देखते हैं उसमें कई सारे कॉम्पोनेंट आपको दिखाई देंगे यहां पर आकर क्या भला कहता है पहले पार्ट पर आकर ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज जैसे कि अब सच एज का मतलब बताइए आगे जो हम लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं क्या ये कंप्लीट लिस्ट है या लिस्ट है बोलो बच्चा है जी कंप्लीट नहीं ना सच है जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता रहे जैसे कि ये 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 यानी कि इनके अलावा जो और भी कुछ यहां पर हो सकता है इससे आपको दिखेगा कि लॉ मेकर कितना डरा हुआ है भयभीत है कि बेटा गलती से भी कुछ छूट ना जाए मुझसे जो बोल सकता था वो तो है ही है साथ में जो नहीं है वो भी इसने यहां पर डाल दिया जैसे कि ये क्या सेल करो सेल है एक्सचेंज है ट्रांसफर है बाटर है लाइसेंसिंग है रेंटिंग है लीज है डिस्पोजल है कुछ भी कर रहे हो ये सब का सब आपका सप्लाई माना जाएगा यहां सब सब शब्द आ गए एक शब्द नहीं आया बताइए क्या मिसिंग है मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग यहां पर नहीं है किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना सप्लाई नहीं होता है पूछो क्यों जब सब आए दावत में बारात में इस फंक्शन में सब आए पुरानी वाली सारी टैक्सीबल इवेंट आई तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं आई क्या कारण है क्योंकि यह बहुत कलेश वाली थी कलेशाई थी इस कलेशाई शब्द को हमने वहीं छोड़ दिया कि तू मता हजारों केस आज भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट लेवल पर सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि पर्टिकुलर एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है है या नहीं है। 1944 में आया था सेंट्रल एक्साइज लॉ और तब से लेकर 2018 तक हजार साल 72 टू ईय हो गए लेकिन हम ठीक से मैन्युफैक्चरिंग शब्द का मीनिंग नहीं समझ पाए अगर समझ पाते तो इनडायरेक्ट टैक्स की हिस्ट्री में आज तक जितने भी केस हुए हैं उनमें से ट्वेंटी सिर्फ इस एक सिंगल वर्ड पर है मैन्युफैक्चरिंग पर तो इसने कलेश वाले शब्द को यहां लाकर हम रायता फैलाना नहीं चाहते कलेश को दूर रखिए इसलिए मैन्युफैक्चरिंग यहां पर नहीं आती है मैन्युफैक्चरिंग करना इट्स नॉट अ सप्लाई खेल ठीक है जी तो सेल हो एक्सचेंज हो एक्सचेंज समझ में आता है सेल समझ में आता है ट्रांसफर समझ में आता है बाटर समझ में आता है बाटर क्या होता है जी बाटर चीज के बदले चीज देना।, <laughs> देना।, देना मेरे पास ठीक <laughs> है चीज के बदले चीज देना लेकिन मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है हॉन्डास्विक दो हजार में ली थी वो एक्सपायर कर गई है नहीं एक्सपायर तो नहीं कर रही लेकिन पंद्रह साल है पेट्रोल वाली है तो लेकिन फिर भी वो सलायक नहीं कि मैं चला सकूँ उसे तो बहुत खराब हो गई है मतलब आपको चाहिए तो बता देना आप ले लेना मुझसे ठीक है तो मैं क्या करने वाला हूँ नई गाड़ी लेकर आऊंगा तो पुरानी एक्ष... चली जाएगी वापस नई आ जाएगी पुरानी दी नई ली कुछ पैसे और दिए मैंने नई मान लो बीस लाख की गाड़ी है पुरानी का वैल्यूशन किया उन्होंने दो लाख रुपये का अठारह लाख रुपये मुझे और देने हैं ये एक्सचेंज है कि बाटर है एक हाथ दे दूसरे हाथ ले भाई साहबा सरता तक कमाल कर देता भाई साहब ये क्या एक्सचेंज है कि बाटर है एक्सचेंज है तो फिर बाटर क्या है? सर, गाड़ी के गाड़ी है गाड़ी के बदले गाड़ी आएगी अच्छा मान लीजिए अगर माना आ रहे ना मेरे पास और भी गाड़ियां हैं 2007 में मैंने ली थी टाटा सफारी वो पुरानी वाली सफारी ठीक है वो पहली कार थी मेरी एंड 2010 में ली थी अब ऐसे में देखो मुझे कारों का शौक है 2010 में एक स्विफ्ट कार भी ली थी मैंने तो तीन कार मेरी इसमें एक्सपायर्ड है और चौथी कार भी सितंबर में एक्सपायर होने वाली दो में ऑडी क्यू भी तो चार गाड़ी मेरे पास एक्सपायर्ड हो जाएंगी अब चारों को देकर आऊंगा एक्सचेंज में और बीस लाख की एक गाड़ी लेकर आऊंगा मैं अब बताइए कैश बस कुछ ना दिया चारों की कीमत इतनी थी कि एक गाड़ी बीस लाख की आ जाए ये बाटर है कि एक्सचेंज है वो कार बीस लाख की मेरी चारों की कीमत भी बीस लाख रुपए हो गई ये आ गई बाटरा की एक्सचेंज है दया खुश तो गड़बड़ा फंसा लिया मैंने आपको बोलो एक्षेंज है एक्सचेंज अभी भी एक्सचेंज है अभी भी एक्सचेंज है तो बाटरा क्या है हम बताएं इसी बात के पैसे हैं वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं अब हम बताएंगे अबू आ रहे हैं अबू <laughs> अब रहे अब दिल के बदले में दिल दे तू सौदा हमसे कर दिल के बदले में दिल दे जब दिल के बदले में दिल दिया जाता है तो क्या दिल का वेट करते कि तेरा दिल चार सौ ग्राम का मेरा साढ़े चार सौ ग्राम का नहीं नहीं मेरा चार सौ का तेरा साढ़े चार सौ का है तो तू तु, मैं तुझे कुछ पैसे और दूंगा या दूंगी क्या ऐसा होता है प्यार में सौदा नहीं <laughs> सौदा नहीं जहां पर एक्सचेंज हो विदाउट वैल्यूएशन जहां पर एक्सचेंज होता है विदाउट वैल्युएशन वैल्यू नहीं होती एक पास गाड़ी तुम्हारे पास एक गाड़ी मेरे पास अपनी छोड़ जाओ मेरी गाड़ी ले जाओ वैल्यू की बात कोई नहीं करेगा ना तुम्हारी गाड़ी का वैल्यूशन होगा ना मेरी गाड़ी का वैल्यूएशन होगा यह है बाटर मैं गया एक मुझे जाना है यहां पे बाल कटाने के लिए शेव कराने के लिए मसाज फेशियल सब करवा के आऊंगा सलून जाऊंगा मैं उसका बच्चा सीए कर रहा है गया था बेसिकली पिछली बार उसने कहा सर हमारे बच्चे को क्लासेस दे दो अपनी मैं कहा ठीक है मैंने स्टाफ को बोला मेल आईडी डी पर लिंक छोड़वा दिया मैं ठीक है क्लास लीजिए मैंने उससे पूछा कितने पैसे हुए अरे सर ना क्या पैसे ना उसने मुझसे पैसे लिए ना मैंने उससे पैसे लिए ये क्या था बाटर है लेकिन अगर यहीं पर वैल्यूएशन हो जाता भाई तेरे काम करने के पैसे हुए चार हजार मेरी क्लास की कीमत सात हजार तीन हजार और दे तू मुझे यहां पर हो जाता है ये एक्सचेंज उसकी फेशियल वगैरह की कीमत सात हजार मेरी क्लासी की बात करते कि का इतना अब कुछ देना नहीं है तब भी एक्सचेंज था जब वैल्यू की बात आ जाए जब जा सौदागिरी की बात आ जाए वहां एक्सचेंज है बाटर में क्या है दिल के बदले में दिल दे यहां सौदा नहीं होता है समझ में आ गई बात यस सर तो सेल हो एक्सचेंज हो बाटर हो लीज हो लाइसेंसिंग हो डिस्पोजेबल हो मेड और टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दर हैंड्स ऑफ द बिजनेस मेड और टू बी मेड इन द कोर्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के दौरान ठीक बोला मैं बिजनेस के दौरान दौरान यानी ड्यूरिंग द बिजनेस हो ये हैंड्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है ये फर्दर हैंड्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है जराबे फर्दर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है साहब जी आपका ये फर्दर मतलब बिजनेस कनेक्टेड लिख दूं यहां पे मैं फर्दर बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस कनेक्टेड बिजनेस कनेक्टेड एक सेकंड रुकिए जरा फर्दर है बिजनेस का मतलब होता है साहब आपका ये बिजनेस रिलेटेड बिजनेस कनेक्टेड वो मेरा डायरेक्ट बिजनेस नहीं बट दैट एक्टिविटी इज कनेक्टेड टू माई बिजनेस कैसे भला मैं अभी आपका एग्जाम्पल देकर बताता हूं एक मिनट तो बिजनेस कनेक्टेड में क्या एग्जाम्पल दू आपको मैं आपको पता है मेरा नया कैमरा आया है पता है आपको नहीं पता जब नया कैमरा मेरे पास आया है तो पुराना कैमरा, नया कैमरा आया है तो मैं आपको मेरा पुराना कैमरा दिखाना चाह रहा था दरअसल वो पुराने कैमरे का मैं क्या करूं मुझे बता जरूर दीजिएगा है नहीं है है भाई सब पैक कर दिया है यस मैंने कर दिखाया ये रहा मेरा बस 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 ये रहा मेरा साहब जी पुराना कैमरा है ना सुंदर हाँ, ये देखो अभी जो पुराना कैमरा है तो मुझे एक बात बताइए यार मैं क्या करूँ उसका बताओ एक्सचेंज का मैं तो नया तो लिया नया तो लग रहा है एक्सचेंज कहा करूँगा उसको मैं क्या करूँ उसका बताओ मैं कुछ खराबी नहीं है इसमें इसमें जो ऑन ऑफ का बटन है ना वो बटन में थोड़ा सा वो कर रहा था मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा था तो कभी कभी बंद हो जाता था वो बस सर्विसिंग होने कुछ नहीं इसमें सर्विसिंग धूल मिट्टी आ रही होगी बाकी कुछ नहीं है ये एच कैमरा है सोनी का जब लिया था सवा लाख रुपये कैमरा था ये मेरा तुमने लेग लेग कहा तो मैंने चेंज ही कर दिया क्या करूं इसका मैं बेच दू कितने का चला जाएगा कितने जाएगा? का जाएगा बीस हजार का पच्चीस हजार चला जाएगा पच्चीस तीस का चला जाएगा सवा लाख का था तो पच्चीस तीस का चला जाएगा ज्यादा यूज में दो साल पुराना कैमरा बस पुराना क्या यहीं लगा रहा है मैं से बाहर ले गया उसे। तो मैं ये कैमरा आपको बेच देता हूँ आइए जरा यह कैमरा मैंने आपको बेच दिया है मुबारक हो पैसे लाइए ना, पैसे लेकर आकर पैसे पैसे आ गए हमारे पास में अब मुझे बताइए क्या ये मेरे एंड से सप्लाई है या नहीं है क्या कैमरा बेचना मेरा बिजनेस है नहीं, नहीं। यहाँ क्या बोल रहा है सप्लाई होने के लिए वो कहता है एबीसी चाहिए एबीसी का मतलब एक इनमें से ऐसी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए बी फॉर बिजनेस के दौरान होना चाहिए और सी फॉर कंसीडरेशन भी होना चाहिए तो एक्टिविटी हुई है मैंने आपको कैमरा बेचा बेचाय सेल किया एक्टिविटी तो है कंसीडरेशन भी मेरे पास में आया है लेकिन क्या ये मेरा बिजनेस था मेरा बिजनेस है कोचिंग देना इट्स नॉट माय बिजनेस तो इसी चीज को कवर करने के लिए उन्होंने एक लाइन और लिखी है ड्यूरिंग द बिजनेस और हैंड्स ऑफ द बिजनेस

अब यहां पर मैं आपसे कुछ एक एग्जाम्पल्स रख रख के पूछता हूं और आप देखते कितनी खूबसूरती के साथ आप उनका आंसर यहां पर कर पाते हैं देखिए अब आपका मजासा शुरू हो जाएगा यहां पर आ गया है आपका गेट नंबर दो मालिक और पहले ही पॉइंट के अंदर ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन यहां पर दिख रहा है साहिब और क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक तरफ है ये यह यहां पर शोरूम है प्राइम होंडा का किसका रे प्राइम होंडा का शोरूम है ठीक साहब हाँ जी इधर है हम हम हैं है। हम है ना, है, हमें नाम लूंगा आ, सुमित रमन यहां पर बच्चा सुमित तू है कहां का ये भी बता दे तेरा स्टेट कौन सा है स्टेट सिटी जो भी है यहां पर सुमित रमन ये इसका बायर है आप चिंता मत करो इस ऐप की आज ऐसी तहसी ऐप को देख लेंगे आज हम इसको आज इसकी आर होने वाली मुझे लगता है ठीक है कैमरे की तो कर दी थी जी बिहार <laughs> का है मेरा बच्चा तो सुमित रमन हो गया बिहार का वैसे मैं बिहार तक पहुंच गया था गाड़ी से बोध गया पता है आपको बीस घंटे में सुबह के छह बजे से लेकर रात के बारह बजे पहुंच गया था मैं बोध गया यहां से ऐसे करके और ये प्राइम होंडा शोरूम है आपका दिल्ली में तो यहां से ये एक कार खरीदते हैं कार की देखो शक्ल कितनी सुंदर बनाई है तो मेरी बहुत ही अच्छी है मुझे पता है हसना मत बस तुम ये बीस लाख रुपए की कार इन्होंने यहां से खरीद ली है ठीक है हमें बताइए यहां खड़े हो जाए यहां खड़े होकर एंगल आपको बनाना है एक यहां खड़े होकर जब हम देखते हैं मालिक तो हमें बताइए सप्लायर कौन है और रेसिपियंट कौन है आपको जो भी काम करना जब भी कोई काम करोगे आप बाबा की बूटी के फ्रेमवर्क में रहोगे सबसे पहले बताइए सप्लायर कौन है यहां पर सप्लायर है कौन बोलो रे प्राइम होंडा इज द सप्लायर एंड रेसिपियंट कौन है यहां पे? सुमित।, सुमित प्रधान या सुमित रमन सुमित रमन यहां पर ये यह है ठीक है जी आगे बढ़िए जरा वन वन बाय हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स और बाबा की बूटी पर रख दो कोई भी चीज आए बाबा की बूटी पे के रख दो अगर इतनी से भी कंफ्यूजन आ जाए तो मुझसे कह दीजिएगा सीए बनने, सी बनने के बाद तक सब कुछ बाबा की बूटी पर रखा जाएगा घुमाइए वहां पर रख के किसकी बात कर रहे हो गदर एक प्रेम कथा है तो कार भी एक प्रकार की यहां पर क्या है भाई साहब गुड्स है कार गुड्स है अच्छा बताइए क्या यहां पर यह एक सप्लाई बन पाई है कि नहीं बन पाई सप्लाई बनने के लिए एबीसी टेस्ट होता है कौन सा टेस्ट है एबीसी टेस्ट चेक करिए ए बी और सी क्या यहां पर कोई एक्टिविटी हुई है हाँ हुई है क्या है एक्टिविटी सेल हुई है सेल एक्सचेंज बाटर लीज लाइसेंसिंग सेल हुई है क्या यह आपका बिजनेस था हां प्राइम होंडा का कोर बिजनेस है ये यस ये, ये बिजनेस भी है और क्या यहां पर कंसीडरेशन था यस 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 बीस लाख का था तो इसलिए यह सप्लाई भी यहां पर बन जाती है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं कॉन्फिडेंस के साथ यस ये सप्लाई है एवीसी टेस्ट फुलफिल्ड है उसके बाद ये सप्लाई कैसी है इंट्रा है या इंटर है तो चेक करिए सप्लाई का ओरिजिन क्या है कहां से चली है और कहां को चली है ओरिजिन क्या है साहब दिल्ली है डेस्टिनेशन क्या है साहब ये बिहार है तो भाई साहब बीच में बॉर्डर आ गया हाँ आ गया कैसे सप्लाई बन गई इंटरस्टेट क्या लगेगा रे आई जी एस टी लगा दिया जाएगा बात पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी आज के बाद से पता है यह है कल की क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है इतनी आज की थी ध्यान दीजिएगा कोई मिस ना कर जाए गलती से और जो नए बच्चे हैं पहले वो पुरानी क्लासेस देख ले मतलब जो क्लास वन से जरूर देखते हुए आए जी टैक्सेबल पर्सन यानी टैक्स पेयर कौन है यहां पर बताइए टैक्स कौन भरेगा सरकार को सरकार को टैक्स कौन भरेगा टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन कौन है शादी किसकी होगी यहां पर प्राइम होंडा प्राइम होंडा इज द टैक्सेबल पर्सन अच्छा मैं मान लू ना किसका टर्न ओवर दस बीस लाख बीस लाख से ऊपर रहा होगा <laughs> सी बात है बीस लाख की तो गाड़ी है तो टैक्स शादी हो गई होगी रजिस्ट्रेशन हो गया होगा क्या कारों पर एग्जम्पशन है इतना तो आइडिया आपको भी होगा कार पर एग्जाम देकर सरकार को मरना थोड़ी ना नो एग्जामेशन no तो इसका मतलब यह हो गया फाइनली आई कैन कंक्लूड हियर कि जीएसटी इसके ऊपर लगाया जाएगा जीएसटी इसके ऊपर लगाया जाएगा हर हाल में जीएसटी यहां पर लग जाएगा कॉम्पिटिशन कैसे करोगे कितना लगेगा कितना लगेगा रे तो कितना लगेगा उसके लिए जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चाहिए होती है वैल्यू और एक चाहिए होता है जीएसटी का रेट कार की वैल्यू कितनी साहब यहां पर ये थी अपनी बीस लाख रुपए की रेट कितना है यहां पर भाई आपको रेट याद नहीं रखना लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ट्वेंटी एट परसेंट का यह जाता है पांच लाख साठ हजार का जीएसटी यहां पर निकलकर आ जाता है और जो कि किस फॉर्म में है आई अगर ये इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन होती तो मैं इसके दो टुकड़े कर देता पांच लाख साठ हजार के कितने कितने हो जाते? दो लाख अस्सी हजार सीजीएसटी और दो लाख अस्सी हजार एसजीएसटी मुझे लिखना होता यहां पर आकर तो इस प्रकार से हमारी ये बात अपनी करी जाती है मालिक यहां तक बात समझ में आ गई यस सर अब आपने यहां खड़े होकर देखा प्राइम होंडा के पास खड़े होकर आपने देखा और किसको देखा रहे इसको देखा यहां पर आकर यहां खड़े होकर यही तो देख रहे हैं आप किसको देख रहे हैं सप्लायर वो रेसिपिएंट यहां से एंगल बनाया है अगर एंगल बना दू रमन के यहां से तो कैसा रहेगा अगर एंगल बनाया जाए रमन के यहां से तो कैसा रहेगा एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है सर नई चीजों पे और पुरान, पुराने चीजों पर भी जीएसटी लगता है क्या अभी बात करेंगे चिंता मत करो रमन के यहां से सुमित के सॉरी सुमित के यहां से अगर हम एंगल बनाते हैं मालिक तो मैं बताइए क्या सीन निकल के सुमित के यहां खड़े हो जाइए और वहां से देखो कौन सप्लायर है कौन रेसिपिएंट है सुमित के यहां से प्राइम होंडा की तरफ ऐसे झांक कर देखो तो बताइए सप्लायर कौन है यहां से देखू अगर मैं यहां पर कौन है सर इधर से देखा जाएगा तो सप्लायर है सुमित रेसिपिएंट बन गया अब आपको ये क्या बता रहे हैं सप्लाई किस चीज की हो रही है मनी की क्या कोई दिक्कत है क्या सुमित क्या दे रहा सप्लाई क्या वो जो दे रहा होता है सुमित क्या दे रहा है बोलो मनी दे रहा है ना सुमित क्या दे रहा है मनी दे रहा है तो मनी का सप्लायर है ये ठीक है और चेक करते हैं जरा मनी गुड्स है या सर्विस है क्या है ये कुछ भी नहीं है वेरी गुड कुछ भी नहीं है और मनी गुड्स सर्विस भी है क्या नहीं है क्या यहां पर जीएसटी आएगा सोचो अगर अगर मनी को गुड्स या सर्विस बोला जाता तो क्या एक ही ट्रांजैक्शन पर दो बार टैक्स लग जाता नहीं लगता जैसे वहाँ से हम देख रहे हैं कि कार सप्लाई करी और मनी मिली रमन के एंगल से देखेंगे तो मनी दी और कार ली है आई होप बात समझ में आ गई होगी इसलिए इस साइड पर जीएसटी की बात होगी ही नहीं एक और आखिरी क्वेश्चन पूछ लू अगर आप इजाजत दो तो हालांकि समय तो ओवर हो चुका है कोई बात नहीं अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि टाइम आपका ओवर हो रहा है मालिक वैसे मैं अगला पता क्वेश्चन क्या क्या बनाने वाला हूं अगला क्वेश्चन मेरा आने वाला है एक तरफ प्राइम होंडा है और सामने से पुरानी कार आ रही होगी और कुछ कैश आ रहा होगा पुरानी कार आ रही होगी और कुछ कैश आ रहा ये बना लूँ चलो क्वेश्चन बस ऐसे ही छोटा सा है देखते हैं कौन कितना चालू पड़ रहा है आज यहाँ है आपका ये प्राइम होंडा और यहाँ पर है आपका ये रमन यहां से यहां तक कि हमने बात कर ली है तो यहां से गई है कार वो भी नई वाली और यहाँ से यहाँ पर क्या आया भाई साहब यहां से आया है आपका ओल्ड कार आई है प्लस दो लाख रुपए भी आए हैं साथ में और नई कार की वैल्यू थी पांच लाख रुपए की अगर आप इधर से बनाओगे तो सप्लायर कौन है प्राइम होंडा रेसिपिएंट कौन है रमन ठीक है क्या सप्लाई किया जा रहा है न्यू कार जो कि एक गुड्स है क्या यह सप्लाई है हां सप्लाई है क्या इस पर जीएसटी आ जाएगा हाँ, इस पर जीएसटी आ जाएगा इधर से बता दो इधर से बता दो सारा खेल तो इधर से है सप्लायर कौन है और क्या सप्लाई कर रहा है सर यहां से देखा जाए तो दो चीज जा रही है यहां से यहां पर देखा जाए पर यहां से देखोगे तो हम सप्लाई का मतलब कि जो जा रहा है आपके पास से ना तो यहां पर सप्लायर बन गया आपका ये रमन और रेसिपिएंट बन गया यहां पर प्राइम होंडा ठीक है अच्छा जी दो चीज गई है यहां से एक तो गई है पुरानी कार ओल्ड कार और एक गई है यहां से Man, दो चीज गई थी ना यस yes, सर तो चेक करके बताइए पुरानी कार गुड्स है या नहीं है नए पुराने में हम भेद तो कभी करते ही नहीं है नया हो पुराना हो गुड्स गुड्स होता है यस yes, सर ये गुड्स है क्या ये सप्लाई बन पाएगा या नहीं एक्टिविटी बिजनेस और कंसीडरेशन। क्या यहां पर कोई एक्टिविटी हुई है हां हुई है ना एक्सचेंज की एक्टिविटी हुई है इन्होंने कार बेची नहीं है एक्सचेंज में दी है क्या कंसीडरेशन भी था? हाँ, था ना? नई कार आपके पास में आई थी इन कंसीडरेशन पुरानी के बदले नई कार आई थी। बिजनेस रमन इज इट योर बिजनेस नहीं अगर एबीसी टेस्ट फुलफिल नहीं हुआ तो नॉट अ सप्लाई और अगर सप्लाई नहीं है तो यहीं से हो जाएगा आउट आगे बात नहीं करनी मैंने आउट मतलब आउट जीएसटी नहीं लगेगा रूट जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया एक छोटी सी बात पूछ अगर बुरा ना मानो तो मनी का क्या सीन है मनी का भाई साहब मनी तो गेट नंबर वन से आउट है जो दो लाख रुपए आपने दिए कि दो लाख थे ना जो दो लाख दिए थे क्या वो गुड्स है जी नहीं क्या वो सर्विस है जी नहीं क्या उस पर जीएसटी आएगा नहीं आएगा तो कुल मिलाकर इस केस में भी रमन की तरफ से कोई किसी प्रकार का जीएसटी नहीं जाएगा जो भी है प्राइम होंडा वही यहां पर जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे पहले बताइए यहां तक पूरी क्लैरिटी है या नहीं है हम कर क्या रहे हैं चल रहा है बाबा की बूटी का डायग्राम हमने गुड्स देखा क्या है सर्विस देखी क्या है क्या गुड्स और सर्विस नहीं है वो भी देखा हमने यहां पर आकर एंड उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं अभी सप्लाई की तो सप्लाई में पहला पॉइंट हमने पढ़ा है कि जहां पर भी हमारा एबीसी टेस्ट फुलफिल हो जाता है वहां पर हम लोग अपनी बात कर पाते हैं वहां पर इसे हम लोग सप्लाई बोल पाते हैं और फिर आगे की चर्चा करके चलते हैं अच्छा अगर कोई चीज सप्लाई बन गई है तो क्या श्योर है कि जीएसटी लगी जाएगा नहीं श्योर होंगे पांच गेट टेस्ट करने के बाद तब बोलेंगे लगेगा नहीं लगेगा हाँ सप्लाई बन गया है तो जीएसटी लगने के चांस दिख रहे हैं पर अगले गेट को भी हमें चेक करना जरूरी होता है वैसे करके तो चलिए मालिक आज के लिए इतना ही रख के चलते हैं अपनी बातों को कल हम पुनः आगे बढ़ा के चलेंगे तब तक लिए धन्यवाद राधा रानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को आज मैं देखता हूं इसको इस गारंटी करते हैं आज हम ये क्यों इस तरह से परेशान कर रहा है हमें कल को परेशान आपको नहीं करेगा ठीक है थैंक यू सो मच बाय टाटा एंड लव यू Uh, सुमित हैं क्या अच्छा क्वेरी सेशन बोल रहा हूं, हूं छुट्टी हो चुकी है आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं वो रुकना चाहे रुक सकते हैं जिनकी क्वेरीज है, right बिजनेस ओनर क्वेरी सेशन बिजनेस ओनर प्ले टैक्स बट इनडायरेक्टली कंज्यूमर पर हाँ वो तो वो यही तो इनडायरेक्ट टैक्स है भाई अल्टीमेट तो कंज्यूमर पे ही आना होता है सर अगर कोई भंगार बेची तो जीएसटी लगेगा। हम्म। लगेगा भंगार मतलब वेस्ट अब यहां पर मेरा अपना ये सेटअप बनाया है जैसे तो यहां पर आ, कई सारी चीजें आ, पुरानी हो गई हैं कैमरा पुराना हो गया था मतलब बेकारी वेस्ट हो गया था इससे भी पुराना कैमरा दिखाऊँ उसको भी वो नॉन एच था जब सेटेलाइट क्लास चलती थी वो वाला कैमरा है वो भंगार में पड़ा हुआ है उसे खरीदने वाला भी नहीं है कोई या मान लीजिए आपकी प्लास्टिक कुर्सी बनाने की प्लास्टिक की कुर्सियां बनाने की फैक्ट्री है आपकी तो वेस्ट तो निकलता ना फैक्ट्री में से फैक्ट्री वेस्ट बेच दिया क्या होगा सर चेक करते हैं चेक करो ना साइंटिफिकली चेक करो यार मैं कोई तुक्का या कोई वो नहीं कोई इंसिडेंस नहीं है साइंटिफिकली चेक करते हैं क्या जो भंगारा बेच रहे हो वो गुड्स की सर्विस है गुड्स है वेस्ट बेचा गुड्स है क्या यहां पर कोई एक्टिविटी हुई है सप्लाई चेक करते हैं यस yes, एक्टिविटी हुई है सेल किया है आपने क्या यह आपका बिजनेस था हम कुर्सियां बनाते हैं हमारा कोर बिजनेस तो यह नहीं था लेकिन हां बिजनेस कनेक्टेड जरूर था कनेक्टेड टू माई बिजनेस जरूर था तो बी भी, भी यहां पर पूरा हो जाता है जहां तक सवाल है कंसिडरेशन का तो कंसिडरेशन भी हमें आएगा कुछ ना कुछ नॉमिनल सही थोड़ा ही सही लेकिन कंसिडरेशन पक्का पक्का आएगा सप्लाई भी हो जाती है मतलब इसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा वेस्ट स्क्रैप बेचने पर भी जीएसटी लग जाएगा क्या दोनों तरफ से जीएसटी लगेगा यहां यहां तो नहीं लगेगा यहां तो एक तरफ से ही लगेगा जीएसटी लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बोलूं कि रमन एक यूज कारों का डीलर है अगर मैं बोलूं कि रमन यूज्ड कारों का डीलर है तो दोनों तरफ से लग जाएगा कि नहीं लगेगा लग जाएगा ये दोनों तरफ वाली बात को हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे आज नहीं क्योंकि अब समय हो लिया है मैं दोनों तरफ से दिखाऊंगा कि मैंने एक घड़ी बेचने वाले हैं उनके बच्चे को कोचिंग दी है और उन्होंने बदले मुझे घड़ी दी है सप्लायर कौन रेसिपियंट कौन और जीएसटी कैसे लगेगा दोनों तरफ से वो हम देखेंगे और दोनों तरफ से लगेगा तो डबल टैक्सेशन बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा वो भी देखेंगे ये दो तरफा बात कल करके चलेंगे सर मेरा चैट दिख रहा है नितेश अरोडा हाँ दिख रहा है सर गिफ्ट के ऊपर जीएसटी लगता है पचास आगे आएगी हमारी पचास हजार तक का गिफ्ट देते हैं तो सप्लाई नहीं बनता पचास हजार से ऊपर का गिफ्ट होता है तो सप्लाई बन जाता है फिर जीएसटी लग जाता है ठीक अच्छा सर गिफ्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा एज इन कोई अच्छा खासा बड़ा गिफ्ट है पचास हजार से ऊपर का साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में पचास हजार से ऊपर का गिफ्ट है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा अदरवाइज नहीं आएगा सर एनिमल फीड्स पे लगता है या नहीं लगता एनिमल फीड्स पे कई सारे एनिमल फीड्स पे एग्जम्पन दी हुई है पांचवें गेट से बाहर निकल रखा है और कुछ पे लगता भी है तो एग्जम्पन का मैटर है वो और बताइए साहब अभी चावला ओके okay. मुझे ईमानदारी से बताना आज यहां होने के बाद कुछ कुछ चीजें पकड़ में आनी शुरू हुई थोड़ा थोड़ा कि हाँ क्या फ्लो हमारा बनने वाला है कैसे जीएसटी मूव करने वाला है और किस पैटर्न पर हम चलने वाले हैं सीखने वाले हैं सर ये नोटिंग करने के लिए पीडीएफ भेज देना आज ही आपके ड्राइव पर नोटिंग अपडेट हो जाएगी अभी एक घंटे में हो जाएगी एक बच्चे बड़ा सा क्वेश्चन पूछ, पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा एकदम क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड प्राइम हॉन्डा हो गया सर मेरा नाम ले लो लक्ष्य कुमार लक्ष्य कुमार लक्ष्य कुमार आप ऐप चेंज कर लो हाँ वही मैं करूँगा हिमांशु सर जब इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी कैंसिल आउट करते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनपुट जी आई जी एस टी में स्टेट वाला कॉम्पोनेंट अलग स्टेट का हो तो एंड आउटपुट जी एस टी वो हम फर्क नहीं पड़ता हम सिर्फ लिफाफे का नाम देखते हैं आई जी एस टी जो कि सेंट्रल लेवल पे वो लिफाफा खोलना हमारा काम नहीं है वो गवर्नमेंट खोलती है तो उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हम उसे सेंट्रल लेवल का टैक्स मान के चलते हैं सर एक चैट में कॉपी पेस्ट वाला फीचर ऐड करवाओ अच्छा जिससे कि आप बार बार उसे उठा के दे कॉपी पेस्ट दे कॉपी पे कॉपी तो मेरा देखो मेरा देखो ऐसा कर रहा हूं। ऐसा वाला दे दनादन, दे दनादन दनादन ले कॉपी पेस्ट सर ये सब तो दोबारा पढ़ेंगे चैप्टर में यस बिल्कुल पढ़ेंगे दोबारा रिवीजन हो जाएगी यस दोबारा ये जितनी बातें पढ़ रहे हैं सबका रिवीजन होगा फिर से सबका क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के नाम पढ़वाए थे ये तो हेलीकॉप्टर व्यू चल रहा है अभी आपका अभी देखो आगे होता क्या है अगर हेलीकॉप्टर व्यू ऐसा है तो जब असल में पढ़ेंगे चैप्टर से तो कैसा होगा सोचिए जरा फिर क्वेश्चन भी करेंगे साथ में उसके हम जिस दिन आपका लास्ट लेक्चर होगा ना तो आपके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे सबके उसमें जीएसटी पॉजिटिव आना चाहिए ठीक <laughs> है लाइव स्ट्रीम सही करवाओ करवाते हैं सर इतना टाइप करना मुश्किल अच्छा इतना तो टाइप करना मुश्किल लगता है चलो करवाते हैं <laughs> सर हैविंग ट्रबल इन एक्सेसिंग बैकअप लेक्चर्स वो नॉट बी एबल टू अटेंड लाइव टुमारो करवाते आज बैकअप लेक्चर मिल जाएंगे आपके एल्डाइन वाले ऐप पे लैग नहीं आता क्या सर एक्सचेंज में वैल्यूएशन होता है सर एक्सचेंज में वैल्यूएशन होता है या बाटर में थैंक यू अनिश बताओ बताओ सर क्या बोला भाई सर एक्सचेंज में वैल्यूएशन होता है या एक्सचेंज में एक्सचेंज में जो लेन देन विद वैल्यूएशन क्या रे लेन देन विद वैल्यूएशन वो है एक्सचेंज और लेन देन विदाउट वैल्यूएशन वो है बाटर पुराने समय में चने दे दिए गेहूं ले लिए वैल्यूएशन मेथड नहीं थे वहां पे करेंसी नहीं चलती थी वो बाटर हुआ करते थे वैसे था अच्छा हुँ. मजा आया सर सब क्लियर डाउट्स वेरी गुड नहीं आता सर लेग लाइन पे अच्छा ठीक है ओके 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 और जो मेरे बच्चे यहां पर बैठे हैं इनका तो लेग ही नहीं है कहीं पर <laughs> अगर यहां लेग आया तो मास्टर की लेग पकड़ लेंगे <laughs> है भाई इनके तो मजे है इन्हें लेग वेग से कोई मतलब ना है जो यहां पर बैठे हुए हैं ऑल क्लियर ऑल क्लियर ग्रेट ग्रेट सर न्यूज़पेपर पर जीएसटी लगती है देखो न्यूज़पेपर गुड्स है और ये आपका यहाँ पर फॉल करेगा बताता हूँ मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं लगता न्यूज़पेपर आपका इस कैटेगरी में आता है यहाँ पर ठीक है यहाँ से एग्जामेशन मिली हुई है न्यूज़ को आपके को इसलिए उस पर जी अपना नहीं आता है लेक फ्री का ही सही है वही कह रहे हो वो लेग फ्री का ही करेंगे हम सर मेरा चैट देख रहे हो हाँ देख रहा हूँ तेरा भी देख रहा हूँ चैट में सर अगर मैंने सेम स्टेट से कार परचेज किया मेरे फैमिली के लिए तो दूसरे स्टेट में रहते हैं उनके नाम पर कार दे रहा तो कौन सा जीएसटी लगेगा क्योंकि पेमेंट मैं कर रहा बट डिलीवरी वहाँ पर करी जाएगी वैसे करके लो कार यहाँ से वहाँ पर जा रही है ठीक है तो इस केस में जो बिलिंग एड्रेस आपका है अच्छा शिपिंग एड्रेस क्या दोगे भाई शिपिंग तो आप खुद ही लेकर आओगे ना डिलीवरी वहां से और पैसे आपने अपनी जेब से दिए हैं तो सोचिए अगर आप शोरूम वाले होते तो आपको क्या पता कि ये कार कहां जा रही है आप शोरूम वाले हो आपके पास कोई आता है वो कार खरीद के चाहे दूसरे स्टेट में ले जाए दूसरे कंट्री में ले जाए आग लगा दे तोड़ दे फोड़ दे उसमें क्या मतलब सेम स्टेट की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी सर सेकंड हैंड गुड्स की की गुड्स की सेल फॉर एग्जांपल ओला में जीएसटी क्यों नहीं लगता मतलब लगता है सेकंड हैंड गुड्स सोचा पुराना मैं तो वेस्ट तक का बोल दिया कि वेस्ट तक पे जीएसटी आएगा आपका अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सर तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी इतनी ज्यादा फीस है उन पे जीएसटी लगता है नहीं एग्जामेशन दे दी जाती है क्योंकि आपकी नीड्स आती है ना रोटी कपड़ा मकान ना, है ना शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा एजुकेशन तो जो भी आपके कॉलेज हैं इंस्टीट्यूट्स हैं स्कूल्स हैं ये सब जीएसटी फ्री हैं हम जैसे लोग इन्हें बोलते हैं कॉमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इनको बोलते हैं ठीक है लॉ की लैंग्वेज में इन पर अपना जीएसटी लगाया जाता है ठीक मालिक चलो तो अब हमें आज्ञा दीजिए टेन थर्टी हो गए हैं और स्ट्रीट फूड पे जीएसटी लगता है थप्पड़ मारो खींच के स्ट्रीट फूड लगा जरा खुद से टेस्ट कर जरा ऐसे कब तक पूछोगे मुझसे बड़े हो जाओ अब उंगली पकड़ के कब तक चलाऊँ मैं तुम्हें तो स्ट्रीट फूड गुड से सर्विस जो भी है सप्लाई भी है लेकिन स्ट्रीट फूड वाला गेट नंबर चार से आउट है गेट नंबर बीस लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं है पर तुम बोलोगे नहीं सर कुनाट प्लेस में आ जाओ वहां तो एक एक करोड़ स्ट्रीट फूड वालों का हाँ उस पर आ जाएगा वो लगेगा जीएसटी वहां आके प्रेम से बोलेंगे राधे राधे अपने आप मैंने आपको ऑटोमेटेड मोड पर डाला है वहां दिख करे तो पूछो पहले उस पर डालो बाबा की बूटी के डायग्राम पर ठीक है वेजिटेबल पे भी जीएसटी लगता है कि नहीं लगता अब यार ये क्वेश्चन है तुम्हारे ये वो तो रेट देखना पड़ता है कि किस पे क्या रेट है वैसे नहीं लगता बिकता है उस पर जीएसटी आएगा सब मैंने कहता ओला से नहीं दिया गया था तो कोई ऐसा सामान खरीदा होगा जिस पर जीएसटी नहीं होता है सिस्टम 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 है है वही तो ये हमारा बाबा की बूटी है हमारा सिस्टम है साहब इस सिस्टम में रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको और मजे की बात यह कि जब मैं बोलता हूं नहीं लगता तो हर एक का पॉइंट लिखा कि इस वजह से नहीं लगता वो ढूंढ पाते हो आप अच्छा ये पॉइंट है अच्छा कुत्ता खरीदने पर लगता है ऐसे की तैसी तेरी कुत्ता खरीदने पे लाइव स्टॉक जो होता है ना उस पर नहीं लगता ये रहा लाइव बोवन एनिमल्स जो हो गए अपने ये नहीं लगता कुत्ता खरीदने पे बस सर थैंक यू हो गए सारे डाउट ठीक है ओके बाई सिस्टम के नीचे रहना पड़ता है बाबा की बूटी का हाँ बाबा की बूटी के नीचे रहना पड़ेगा वरना आप पता है मैं सच बोल रहा हूँ मजाक मत लेना जब तुम रिवर्स चार्ज तक आते हो ना पढ़ते पढ़ते तो ये इतना हैवी लोड घुमाना पड़ेगा रिवर्स चार्ज का चैप्टर जब पढ़ा रहा होगा ना तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो चल रहा होगा कोई भी ट्रांजेक्शन यहां से घूमती आएगी बताओ गुड्स है सप्लाई है ये है वो है ओके ओके यहां अब ये प्रोविजन है ऐसे जुड़ेगा आपका पूरा खेल यूं चलेगा आपका शुरू से लेकर एंड तक हर रोज हर चीज रिवाइज होगी तभी तो कह रहा हूं कि जीएसटी आपके ब्लड में आएगा थैंक यू सो मच बाय टाटा एंड लव यू बाय संदीप आ जाओ भाई अभी बंद नहीं हुआ लेकिन ये मुझे पता है मैं अभी अब तेज पड़ गया हूं बाय